एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वन शॉट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं करा हुआ है। और अगर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक आए हैं। और आपको मेरे वन शॉट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वन शॉट अच्छा लग रहा है। चलिए आज का वन शॉट स्टार्ट करते हैं। वैसे एक और बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। जब मैंने ये वन शॉट FF स्टार्ट करने की सोची थी तो मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए 7 वन शॉट थे, लेकिन उनमें से एक स्टोरी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कल रात मैंने उसका 20 मिनट तक रिकॉर्डिंग भी करी और उसके बाद वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे ही नहीं मज़ा आ रहा रिकॉर्डिंग करने में, तो आपको सुनने में क्या ही मज़ा आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब हम 7 से 6 पे आ गए हैं, क्योंकि मेरे को एक स्टोरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो हो सकता है कि मैं 6 ही शेयर करूं, या हो सकता है मुझे कोई और याद आ जाए, या मुझे कोई पुराना मेरा FF जो अनकम्प्लीट हो मैं वो शेयर कर दूं उसे कम्प्लीट करके। जो भी होगा मैं आपको 6 डे के पे ही बता पाऊंगी, लेकिन अब तक मेरे पास सिर्फ 6 स्टोरी है। लाइफ विद चाइल्ड वाला मैं शेयर नहीं कर रही है। चलिए अब आज का वन शॉट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक रोम कॉम है, यानी रोमांटिक कॉमेडी। इसमें आपको लांगवांगजी और विंग के बीच में एक फेक रिलेशनशिप दिखेगी। जी हाँ, इसका नाम है आवर लव जर्नी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजिंग का एक बड़ा शानदार 7-स्टार रेस्टोरेंट कहा जाता है। इस रेस्टोरेंट में एक डिनर करने की कॉस्ट की कई कई एम्प्लॉयज़ की पूरे मंथ की सैलरी होती है। इतने हाई फाई रेस्टोरेंट में एक सिर्फ बहुत हाई फैमिली के लोग ही एंटर करते हैं, जिनमें से एक यहाँ पे अभी इस समय एंटर कर रहे हैं। उनकी बड़ी सी मर्सिडीज इस रेस्टोरेंट के आगे रुकी थी, तो रेस्टोरेंट का हर कोई इंसान अलर्ट हो गया था। ये कोई और नहीं बल्कि चाइना की सबसे रिच फैमिली लैंड फैमिली के सेकंड हायर और इस समय लैंड कॉरपोरेशन के एक्टिव CEO, जी हाँ, मिस्टर लांग वांग जी हैं, जो अपने बड़े बड़े कदमों से अब इस रेस्टोरेंट में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही वो रिसेप्शन एरिया पे खड़ा हुआ है। वो पर्सन एक्टिवली लांग वांग जी को बिना वेट करवाए उनके पीछे पीछे जहाँ उनकी सीट है वहाँ पे इशारा करता है। लांगवांग जी के पीछे पूरी एक टीम साथ में चलती है, जिसमें उनके पर्सनल असिस्टेंट और उनके कुछ बॉडीगार्ड रहते हैं। उनके PA आज भी उनके साथ हैं, जिनकी भी एक तरह से सीट उनके ही पास में रखी गई है, जहां उनकी पूरी टीम उनके साथ बैठी हुई है। अब लांगवांग जी आराम से वहां बैठे हुए हैं, वहीं उनके PA और एक तरह से गार्ड्स के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि लांग वांग जी जिस पर्सन से मिलने आए थे वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, और ये उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। सबसे बड़ी ज़्यादा टेंशन की बात तो इस समय ये लांग वांग जी के PA वी हुशियान के लिए हैं। विंग हुशियान लांग वांग जी के पिछले 10 साल से PA हैं। वो और लांग वांग जी सेम डे लैंड कॉरपोरेशन में एंटर हुए थे, जहाँ लांग वांग जी अपनी हायर एजुकेशन फॉरेन कंट्री से कम्प्लीट करके एज अपने अंकल के असिस्टेंट या सपोर्टर बन के आए थे। वहीं बेचारे वी हुशियान एज अ फ्रेशर लैंड कॉरपोरेशन में आए थे, जहाँ लांग वांग जी 2 साल में ही लैंड कॉरपोरेशन को में अपने अंकल को रिप्लेस करके CEO बन गए। और वहीं वी हुशियान ने 2 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके CEO के असिस्टेंट की पोजीशन ले ली थी। वी हुशियान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। पिछले 10 साल से ये टीम, यानी जो इस समय लांगवांग जी की टीम है, वो एक साथ काम कर रही है। वहीं लांगवांग जी की सिक्योरिटी इंचार्ज या बॉडीगार्ड के जो हेड हैं वो भी हमेशा लांगवांग जी के आसपास रहते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग लैन है। अब सॉन्ग लैन थोड़ा सा परेशान होते हुए वी हुशियान की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मीटिंग भी सक्सेसफुल होगी। ऐसा मत बोलो सॉन्ग लैन, अगर किसी वजह से ये ब्लाइंड डेट भी फेल हो गई तो मिस्टर क्रैन तुम्हारी और मेरी दोनों की जान ले लेंगे। यार, हम इन दोनों लैंड्स के बीच में अच्छा फंस गए हैं। एक कोई भी ब्लाइंड डेट या कैसी भी डेट सक्सेसफुल नहीं होने देता, और दूसरा अपने नेफ्यू का पीछा नहीं छोड़ता। ये इस महीने की 5वीं डेट है जो लान कुरैन ने लांग वांग जी के लिए रखी हुई है। सचमुच में पिछले 8 साल से कितनी सारी लड़कियां रिजेक्ट कर चुके हैं ये खड़ूस, पर उसके बावजूद इसे कोई पसंद क्यों नहीं आया। विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए सॉन्ग लैन से अपनी बात शेयर कर रहा है। ये दोनों बहुत धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते इनका बॉस इनसे ऑफेंड हो जाए, क्योंकि इन्हें अपने बॉस से बहुत डर लगता है, खासकर विंग को। विंग को ये जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग इस जॉब के लिए बहुत हार्डवर्क करता है,
बेचारा भी कई कई बार रात भर जगता है, क्योंकि उसे लांगवांग जी की कोई भी मिस्टेक, लांगवांग जी के सामने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ये जॉब उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जॉब के कारण ही वो अपनी सीजे की शादी करवा पाए हैं। इसी जॉब के कारण वो अपने छोटे ब्रदर को उसकी एजुकेशन पूरी कर पाए हैं। ये जॉब उसकी फैमिली को उस गरीबी से बाहर निकालने का एक तरह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। और लांगवांग जी को साथ तो कोई मिस्टेक गलती से करता भी नहीं है। अचानक से विंग को उसके होश में लांगवांग जी की आवाज़ लाती है, टाइम अप, जिससे अब सॉन्गलाइन और विंग अलर्ट मोड पे वांग जी के पास आके खड़े हो जाते हैं। अब वांग जी अपनी टेढ़ी नज़रों से उन दोनों की तरफ देखता है, फिर अपनी वॉच की, अपनी कॉस्टली अरमानी की वॉच की तरफ देख के बोलते हैं, असिस्टेंट विभूषण, शायद आपने मिस शॉयवी को अब सही टाइम बताया था। जिस पे एकदम से वहीं थोड़ा घबराते हुए अपना सर गर यस बॉस की तरह बोलता है, जिससे वांग जी अब बिना सेकंड गवाए वहाँ से खड़े होके पर दोबारा से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है। जी को यहाँ से बिना शॉयवी से मिले हुए देखकर विंग के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे लान कुरैन के गुस्से को झेलना पड़ेगा। वहीं से शॉयवी पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, ये लड़की मैं रिच ब्रेड सही टाइम पे क्यों नहीं पहुंची? क्या वो जानते नहीं है कि लांगवांग जी टाइम का कितना पक्का है? लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता। वो लांगवांग जी के साथ वह कार में बैठ के जाने लगता है। वहीं वांग जी के निकलते ही वहाँ पे शॉयवी पहुंचती है, जिसे मैनेजर बता देता है कि लांगवांग जी यहाँ से आके चले गए, जिससे उसे और ज़्यादा वांग जी पे गुस्सा आता है। वो अपने आप में ही बहुत घमंड में अब लैन कुरैन से तुरंत वांग जी की शिकायत कर देती है। और जैसे ही लैन कुरैन को ये पता चलता है, वो तुरंत वी वुशान पे कॉल कर देते हैं। बेचारा वी जो बिल्कुल लांगवांग जी के साइड में बैठा है और घबराते हुए उस फ़ोन को देख रहा है। वहीं वांग जी विंग के चेहरे की नर्वसनेस से समझ गए हैं कि फ़ोन किसका है, इसलिए वो तुरंत विंग को इशारे में फ़ोन उठाने का करता है। जिसे विंग फ़ोन उठाते दूसरी साइड से लान कुरैन के गुस्से को सुन रहा है और फिर ठीक है सर बोल के फ़ोन काट देता है। वहीं वांग जी समझ गए कि उसके अंकल ने विंग को क्या ऑर्डर दिया है, इसलिए वो विंग से की तरफ देखता है और फिर ड्राइवर को घर की तरफ ले जाने के लिए बोलता है। वांग जी और विंग पिछले 10 साल से साथ में हैं, इसलिए विंग और वांग जी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। विंग समझ गया था कि वांग जी को उसे समझाने या बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उसे इस समय उसके घर पे जाना है, क्योंकि उसके अंकल वहाँ उसका वेट कर रहे हैं। वांग जी इस समय एक 34 ईयर ओल्ड यंग और चाइना का सबसे फेमस बैचलर है, और उसके पूरी फैमिली वांग जी को पिछले 8 साल से शादी के लिए मना रही है। शुरुआत में वांग जी ने कि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है, इसलिए शादी नहीं करना चाहता, और उसके बाद पिछले 5-6 साल से लगातार वो ब्लाइंड डेट्स को रिजेक्ट करने में लगा हुआ है। आज की डेट भी एक रिजेक्ट डेट में ही काउंट होगी, क्योंकि अब शायद वांग जी तो कभी उस लड़की से दोबारा नहीं मिलेगा। विंग ये बात जानता है और विंग को इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हर बार जब भी वो एक नई डेट मतलब ब्लाइंड डेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी जाती है, तो उसे इसी चीज़ सारी तैयारी करनी पड़ती है। घंटों तक उसे वहाँ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सिक्योरिटी से लेकर लांगवांग जी का टाइम निकालना पड़ता है, और उसके बाद जब वो फेल होती है तो उसके बाद कुरैन और लांगवांग जी का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। विंग भी अब दिल से चाहता है कि लांगवांग जी जल्दी से किसी से शादी करे, ताकि उसे भी इस मुसीबत से छुट्टी मिले। वहीं जैसे ही वांग जी और विंग वहां पहुंचते हैं, तो लान कुरैन जो सामने इन्हीं दोनों का वेट कर रहे हैं, और उनके एक साइड बैठी भी उनकी पहली मतलब नेफ्यू की वाइफ यानी वेंचिंग और उनका नेफ्यू यानी लान शिचैन वेट कर रहे हैं। वेंचिंग व लान शिचैन दोनों ही मेडिकल फील्ड में हैं, और ये दोनों डॉक्टर हैं। ये दोनों लैन हॉस्पिटल के चेन को संभालते हैं, और इनका एक प्यारा सा 15 ईयर का मतलब बेटा है, जिसका नाम लैन जिंगी है, जो कि एज यूजुअल अभी अपने रूम में बिजी है। लान कुरैन जब वांग जी को वहाँ आते देखते हैं, तो वो एकदम से गुस्से में वांग जी को वहाँ बुलाते हैं। वहीं वांग जी बिल्कुल शांत खड़ा है, और लान कुरैन वांग जी के साइड में खड़े विंग पे गुस्सा कर रहे हैं कि आप क्यों वो ब्लाइंड डेट कैंसिल हुई, क्यों लांगवांग जी और वो लड़की मिल नहीं पाए। जिस पे विंग से पहले लांगवांग जी बोल पड़े, क्योंकि उस लड़की को टाइम की वैल्यू नहीं है। बस करो वांग जी, नए नए बहाने ढूंढ के कि हर मीटिंग को कैंसिल करना या हर रिश्ते को तोड़ना बंद करो। अब मैं थक चुका हूँ, पिछले 8 साल से मैं तुमसे इस चाइना के हर फेमस फैमिली की अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की से मिलवा चुका हूँ, लेकिन तुम हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल देते हो। कोई तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, किसी को ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते, कोई टाइम सेट पे नहीं आता,
किसी का मेकअप करने का तरीका बहुत बेकार था, हर चीज़ तुम्हें हर बार कबूल में कोई ना कोई कमी निकालते ही हो। मैं थक चुका हूँ, तो आप भी रुक जाइए, आपको अब तक समझ में आ गया होगा मैं शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और आप भी तो बैचलर हैं, इसलिए आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, क्योंकि मैं भी समझ चुका हूँ कि बैचलर होने के बाद क्या होता है। व्यांग जी, थोड़े टाइम में सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। जो एक कमी एक लाइफ पार्टनर्स की होती है वो कभी कोई और पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करूँगा। पर आप एक चीज़ समझते क्यों नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो कब इंटरेस्टेड हो गए, तुम 34 के हो गए हो, 34 ईयर ओल्ड के, तुम्हें कम एज लगती है? तो अपने भाई और अपने सिस्टर इन लॉ को देखो, इन दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन में ही शादी कर ली थी और इनका कितनी हैप्पी लाइफ है, तो इनका बेबी भी इनके साथ है और तुम बिल्कुल अकेले हो। मैं वो करूँगा जो मेरा मन करेगा। नेक्स्ट वीक हमारी कंपनी की एनिवर्सरी भी है और उस सब के बीच में मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ या मैंने तुम्हारे लिए फाइनल करी है, उस लड़की से तुम्हारी एंगेजमेंट सबके बीच में डिक्लेयर कर दूंगा, वरना इस वीक के अंदर तुम खुद से कोई फाइनल करके उस लड़की के साथ सबके सामने एंगेजमेंट फाइनल करोगे। ये तुम्हारे ऊपर है, मेरी चॉइस या तुम्हारी चॉइस, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, लेकिन नेक्स्ट वीक तुम्हारी एंगेजमेंट ज़रूर होगी। जिससे विंग पीछे शॉकिंगली खड़ा है, ऐसे ही शॉकिंग एक्सप्रेशन इस समय लान कुरैन और लान शी चैन और वेंचिंग के हैं। वहीं वांग जी और उसके अंकल पूरे एटीट्यूड में हैं, दोनों एक दूसरे को खूब घूर रहे हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। वहीं अकुरैन ये बात बोलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और शी चैन तुरंत वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, मैं मानता हूँ अंकल थोड़ा नाराज़ हैं, लेकिन अंकल जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। ब्रदर, तुमने अपनी पूरा यूथ पूरी जवानी इस कंपनी के लिए लगा दी, सिर्फ काम काम काम, थोड़ा सा काम से बाहर निकल के अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो। और ये बात बोलने के बाद शी चैन वेंचिंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विवांग जी शॉकिंगली खड़ा है, भी चुपचाप से जान बचा के पीछे मुड़ के धीरे धीरे कदमों से वहाँ से निकल ही रहा था, जब अचानक से विवांग जी वी विशान बोलता है, जिसे भी अपना मुँह थोड़ा सा दबा के अपने दाँत भींच के चेहरे पे फेक स्माइल रखते हुए अपने बॉस की साइड देखता है और बोलता है, यस बॉस, तुम्हें भी पता है मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, लेकिन हाँ मैं उस लड़की से एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा जिसे अंकल ने फाइनल किया है। तुम्हें हरा अब नया टास्क है, तुम्हें एक वीक के अंदर मेरे लिए एक फेक गर्लफ्रेंड ढूंढनी है और उससे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है कि वो मेरे अंकल और मेरी फैमिली के सामने फेक गर्लफ्रेंड बन के रहेगी मेरी। वहीं कहीं ना कहीं विंग जानता था उसके ऊपर ज़रूर कोई बम ज़रूर फूटेगा। अब विंग थोड़ा सा घबराते हुए बोले, पर एक वीक और कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वो तुम डिसाइड करो, एक वीक के अंदर लड़की फाइनल करने का काम भी और वो कॉन्ट्रैक्ट भी, जिससे ना मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो और मेरे फैमिली वाले भी शांत हो जाए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के मुझे मॉर्निंग तक मिल जाना चाहिए। और वांग जी वहाँ से ये बोल के चला जाता है। नहीं नहीं अपने दांत पीसता हुआ, अपने पैर पटकता हुआ अपने मतलब एक तरह से फ्लैट पे पहुँचता है। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जहाँ वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी मी हुसैन के साथ रहता है। जब मी हुसैन विंग को यहाँ आते हुए देखता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है, वाह भाई आज तो इतने समय यहाँ पे, तू तो कभी आधी रात से पहले कंपनी से आता नहीं, आज तो इतनी जल्दी कैसे? कंपनी से वापस जरूर जल्दी आ गया हूँ, पर काम तो मेरा पूरी रात का हो गया। मुझे उस डेविल ने रातों रात एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोला जिसके बारे में कोई टर्म नहीं बताई, बस बोल दिया मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अरे मुझे क्या पता बंदे तुझे क्या चाहिए, कैसे तेरी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, मुझे क्या पता। बेचारा विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, विंग अपनी सारी खुंदस जो भी उसे वांग जी पे आती है वो नी हुसैन के सामने ही निकालता है और नी हुसैन भी उसका दुखड़ा बहुत सालों से सुन रहे हैं, वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। नी हुसैन एज यूजुअल विंग को थोड़ा सा शांत होने के लिए बोलकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने चला जाता है। अब विंग वांग जी के उस कॉन्ट्रैक्ट में लग जाता है। विंग को वांग जी की हर छोटी ना पसंद
उसका शेड्यूल सब पता है, इसलिए विंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। लेकिन हाँ, लाइफ डिस्टर्ब ना हो वो वाली चीज़ से वो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसे थोड़े टाइम में समझ में आ गया विंग जी की लाइफ, उसका बिजनेस, काम उसका बिजनेस है, तो उसका इसका मतलब ये था कि उसका काम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए विंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। और उसके बाद बड़े शांति से अब सामने नए नेटफ्लिक्स चला के कुछ पॉपकॉर्न के साथ एक के ड्रामा देखता हुआ इंजॉय कर रहा था, जब नीहू सैन उसके पास भाग कॉफ़ी के दो बड़े बड़े मग लेकर आता है और बोलता है, तो फाइनली तूने अपना काम कर लिया, चल आज तेरे को थोड़ा रिलैक्स करवा दो, चल आज क्लब में चलते हैं। नहीं यार, मुझे घर पे ही रहना है, तुझे अच्छे से पता है क्लब में जाओ तो पैसा खर्च होगा और फिर पैसे खर्च करके क्या फ़ायदा, तू कितना बड़ा कंजूस है, तू और तेरा बॉस सेम एज के हैं, जैसे तेरे बॉस के दिमाग में हमेशा बिजनेस 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 चलता रहता है, वैसे ही तेरे दिमाग में हमेशा पैसा 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 चलता रहता है, तू तो बस चले तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अपनी कंपनी तक भी पैदल चला जाए, उस बस के टिकट के भी पैसे बचाए, पता नहीं तू इतना कंजूस क्यों है। वांग नी हुसैन थोड़ा सा विंग को छेड़ते हुए बोलता है, लेकिन विंग सचमुच में पैसे की वैल्यू जानता है, इसलिए वो इतना कंजूस है क्योंकि विंग को पता है कि ये पैसा कमाने के लिए उसने और उसकी फैमिली ने कितना हार्डवर्क किया, उसके फादर ने जो उसे पढ़ाने के लिए किस तरीके से अपना लैंड भी किस मतलब एक तरीके से गिरवी रख दिया था या बैंक को मॉर्टेज पे दे दिया था, उसकी एजुकेशन पूरी करने के लिए उसने वो अपनी शुरुआत की सारी कमाई अपने स्टूडेंट लोन को उतारने में निकाली है, उसके घर में उसने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है, अपने घर का सबसे बड़ा है वो, उसकी सीजे यानी उसकी ये बहन उसे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, अपनी बहन की सारी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है, इसलिए विंग वैल्यू करता है पैसे की। अब वहीं विंग ये सोच के कि उसे हर हाल में अब ये टास्क भी पूरा करना है, वो रात भर सो नहीं पाता, वहीं वांग जी स्ट्रेस फ्री सो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में वी वुशान है। विंग के होते हुए उसे ना ही अपने बिजनेस की ना ही किसी और चीज़ की टेंशन होती है क्योंकि उसका असिस्टेंट बहुत ज़्यादा स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल है। वहीं विंग जैसा वांग जी ने सोचा था वैसे ही मॉर्निंग में सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसके पास पहुंच जाता है और एज यूजुअल विंग के बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट में वांग जी की रिक्वायरमेंट और पसंद की हर चीज़ है, इसलिए वो तुरंत अग्री भी हो जाता है। लेकिन अब विंग के दिमाग में बहुत सारी बातें और टेंशन चल रही है, एक फेक गर्लफ्रेंड ढूंढना लांग वांग जी के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना बड़ा बिजनेस वर्ल्ड में उसका नाम है, कोई उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो कहीं वो उसकी पोल ना खोल दे, ऊपर से उससे कहीं लैंड लाइन के शेयर्स पे प्रॉब्लम ना पड़े, ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें हैं जो जिसको विंग सोच रहा है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है और विंग लगातार इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ ले रहा है, लड़कियां के बारे में रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन उसकी किस्मत उस दिन उसका साथ देती है जब उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम किन शू है वो आगे आके इंटरेस्टेड होती है लांग वांग जी की फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए, वो इसी कंपनी में जॉब करती है तो वो कभी सच बोलने की कोशिश नहीं करेगी वरना उसकी जॉब चली जाएगी, और वो देखने में भी अच्छी है तो वांग और नॉलेजेबल भी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। विंग उसकी जब प्रोफाइल वांग जी के सामने लाता है तो वांग जी अग्री कर जाता है क्योंकि उसको लिए बस कोई होना चाहिए, यही सोच के वो लोग अग्री कर जाते हैं। एज यूजुअल उस वो दिन आ जाता है द बिग डे, जिस दिन लैंड कॉरपोरेशन की एक तरह से गोल्डन जुबली है, 50 साल हो गए हैं लैंड कॉरपोरेशन को चाइना के वर्ल्ड में, पहले लैंड क्रेंस के फादर इस कंपनी को रूल करते थे, उनके बाद उनके ब्रदर लैंड क्रेन ने ये कंपनी काफ़ी टाइम तक संभाली थी और अब इस कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वांग जी ने उठा रखी है। सब लोग यहाँ पहुँचते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़ी बड़ी बिजनेस वर्ल्ड के लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर कोई आज इस पार्टी का मतलब इस पार्टी का पार्ट बनना चाहता है क्योंकि वो सब लोग लांग्स की नज़रों में अब अच्छी वैल्यू रखना चाहते हैं। पार्टी बहुत अच्छे से हो रही थी जैसा प्लान था, वहीं कुरान वांग जी की तरफ देख के थोड़ा सा गुस्सा करते होते, वांग जी टाइम बीत रहा है, मैंने तुमसे कहा था तुम सबके बीच में अपनी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करोगे, तुम ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो, तुमने मुझे कल इन्फॉर्म किया था कहाँ है वो लड़की और अब तक आई क्यों नहीं। आप कुरैन थोड़ा गुस्सा करते हैं वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वहीं वांग जी विंग को बहुत देर से पार्टी में ढूंढ रहे हैं, वहीं विंग कोने में छुपा हुआ सबसे बच बच के छुप छुप के घूम रहा है क्योंकि उसकी मुसीबत आज सबसे ज़्यादा बड़ी है
क्योंकि किंशु कल से उसका फ़ोन नहीं उठा रही है। किंशु के बारे में किसी ने कंप्लेंट की थी कि वो कंपनी में अभी से अपने पावर दिखाने लगी है, वो लोगों के आगे वो लांगवांग जी की फ्योंसे है, बनने वाली है, ये कहकर ऑफिस में लोगों को बुली कर रही थी, जिसके बारे में विंग को पता था। लेकिन विंग ने उस पर ज़्यादा कुछ गुस्सा नहीं किया था, सिर्फ इतना ही बोला था कि अभी वो ये बात किसी को नहीं बता सकती, लेकिन कल से वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। ये सोच के विंग की हालत बुरी है। कल रात से विंग एक मिनट भी सोया नहीं है और आज भी वो पूरा दिन लांगवांग जी से बच बच के कभी इधर उधर छुपा फिर रहा है। वांग जी भी उसे पार्टी में कहीं बाहर ढूंढ चुका है, लेकिन विंग कभी किसी के पीछे तो कभी किसी के पीछे छुप छुप के सारे काम कर रहे हैं। वहीं कुरैन फिर से वांग जी से गुस्से में बोलते हैं, वांग जी तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैंने तुम्हें जो टाइम दिया था उसकी डेडलाइन आ गई है। मैंने कहा था कि पार्टी के में अगर तुमने नहीं तो मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देनी है। और ये बोलने के बाद कुरैन आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वो स्टेज पे आ गए हैं। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज ये बहुत स्पेशल डे है हम सब लैंस के लिए, क्योंकि आज हमारे लैन कॉरपोरेशन को 50 ईयर हो गए हैं। लेकिन ये स्पेशल डे मैं एक और स्पेशल मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ, और वो है मेरे सेकंड नेफ्यू की इंगेजमेंट। आज सबके बीच में मैं लांगवांग जी की इंगेजमेंट डिक्लेयर करने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद कुरैन अब वांग जी की तरफ देखते हुए कुछ बोलते, उससे पहले वांग जी अब स्टेज पे आ जाता है और कुरैन की से तुरंत माइक लेकर बोलना शुरू करता है, थैंक यू अंकल, आपने मुझे मौका दिया इस स्पेशल डे को मेरी मेमोरी के में चेंज करने का, स्पेशल मेमोरी में चेंज करने का, इसलिए मैं खुद अपने फियांसे के बारे में सबके बीच में बताना चाहता हूँ। इस बात पे अब कुरैन शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं, वही पार्टी में आए सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे हैं। ये शौक तो लैन जिंगी को भी लगा, जो हमेशा अपने अंकल को खड़ूस खड़ूस बैचलर कहते रहता था। क्या सचमुच में उसके अंकल किसी के साथ आज इंगेज हो जाएंगे? बड़े शौक से जिंगी बहुत सारे पेस्ट्री खाता हुआ अब उस स्टेज की तरफ देख रहा है। वहीं लैन शिचैन और वेंचिंग भी स्टेज पे आ गए हैं, क्योंकि वो भी वांग जी की स्पेशल मोमेंट है, वहाँ होना चाहते हैं। वांग जी सबके बीच में बोलता है, मैं ये बात पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा फियांसे कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है, मैं एक गे हूँ। जिस बात से अब यहाँ खड़े बहुत सारे लोगों को झटका लगता है। जिंगी जो बेचारा पेस्ट्री खा रहा था उसके मुंह से वो पेस्ट्री निच करके नीचे गिर जाती है। वहीं ये चीज़ सुन के जैसे पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। वहीं शिचैन भी शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं। अब वांग जी बोलना शुरू करता है, मेरा फियांसे कोई और नहीं बल्कि मेरा पीए वी वुशान है, वी वुशान अभी स्टेज पे आ जाओ। इस बात से अब विंग जो कॉर्नर में एक बड़े से फ्लावर के मतलब डेकोरेशन के पीछे छुपा हुआ था, वो शॉक में बिल्कुल बाहर आ जाता है और उसका मुंह खुला हुआ है, और इतना ही बड़ा मुंह खुला हुआ है हर किसी एम्प्लॉय का, जो शॉकिंगली विंग के ऊपर देख रहा है। यहाँ बहुत सारे विंग को लोग जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लांगवांग जी के साथ काफ़ी टाइम से है, तो बड़ी बड़ी हस्तियों से उनके पीओ से कनेक्ट रहता है। अब विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है और अपनी जगह से हिलता नहीं है। वहीं वांग जी माइक के साथ साथ ही स्टेज से उतर के विंग की तरफ जाता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे स्टेज की तरफ लाने लगता है। विंग अब शॉकिंगली सबकी तरफ देख रहा है, फिर वांग जी की तरफ देख रहा है, और फिर अपने और वांग जी के उस हाथ की तरफ देख रहा है जिसे वांग जी ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। अब वो दोनों स्टेज पे खड़े हैं। वहीं कुरैन भी शॉकिंगली वांग जी और विंग को देख रहे हैं। वहीं बेचारे शिचैन और वेंचिंग का तो पता नहीं क्या ही रिएक्शन आए, वो तो अपने ही शौक में है। वहीं जिंगी जोर जोर से ताली बजा के ये करने लगता है, जिसे अब सब लोग वांग जिंगी की तरफ देख रहे हैं, और बाकी सब लोग अब समझ में अपने शौक से निकल के उन दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब विंग शॉकिंगली सबकी साइड देख रहा है और वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं बेचारा सॉन्ग लाइन विंग के लिए दूर से खड़े हुए विश कर रहा है, क्योंकि वो बेचारा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, उसे अपने बॉस के साथ ही एंगेजमेंट करनी पड़ गई। वहीं वांग जी तुरंत अब वो रिंग जो स्टेज पे लेके एक वेटर आया था उस रिंग को लेके विंग के हाथ में पहना देता है। बात ये है ये रिंग विंग की उंगली में बिल्कुल फिट आ जाती है, जैसे ये रिंग बनी ही विंग के लिए थी, जिसे देख के कुरैन भी शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग तो अपने शॉक में कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे। अब वांग जी अब सब लोगों की तरफ देखते हुए विंग के कमर पे हाथ रख के उसे अपनी साइड पुल करके पिक्स खिंचवाने लगता है। वहीं विंग अब बिल्कुल भूत की तरह खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इसे चाइना के हर चैनल न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ आने लगी।
की द मोस्ट बैचलर द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस मैन लांग वांग जी एक गे हैं और उन्होंने अपने ही पीए के साथ सबके बीच में अपनी कंपनी की 50 एनिवर्सरी पे इंगेजमेंट कर ली है। जब ये खबर चारों तरफ पहुंचती है तो एक बम दूसरे जगह भी फूटता है। ये कोई और नहीं बल्कि युनबर्ग के एक छोटे से शहर में गांव कह सकते हैं विलेज में रहने वाली एक छोटी सी सिंपल सी फैमिली है जियांग्स फैमिली वीन की फैमिली जिन्हें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो अधिकतर लैंड कॉरपोरेशन के फंक्शंस और प्रोग्राम्स भी देखा करते थे क्योंकि उसमें उन्हें हल्की सी अपने बेटे की कभी कभी झलक दिख जाती थी। उनके लिए उनका बेटा टीवी पे आ रहा है यही बहुत बड़ी खबर होती थी। वीन इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है इस चीज़ के लिए हमेशा मैडम यू सबके बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ाई भी मारा करती थी। आज भी ये प्रोग्राम सिर्फ मैडम यू की फैमिली ही नहीं बल्कि उनके छोटे से युनबर्ग गांव के मुखिया ने स्पेशली एक बड़ी सी स्क्रीन लगा के सबको देखने के लिए बुलाया था। इसलिए पूरा गांव अब घूर घूर के जियांग्स फैमिली को देख रहा है। वहीं जियांग फैमिली भी पूरी तरह से शॉक है। मैडम यू तो थोड़ी देर बाद बेहोश होकर अपने बेटे की गोद में ही गिर जाती हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा उनका बड़ा बेटा एक गे निकला। वहीं जैन फैमिली किसी को कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जनजा का भी शॉक में बुरा हाल है। क्या उसका भाई इसी कारण विंग भी इस स्टोरी में 34 ईयर ओल्ड है और उसका भाई अब तक किसी से शायद इंगेज नहीं हुआ उसने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई उसका कारण यही तो नहीं कहीं विंग एक गे था। सब लोग अपने ही शौक में हैं। वहीं विंग को पता है कि ये खबर उसके घर तक पहुंच जाएगी। उसे तो अभी से अपनी मदर बड़ी सी झाड़ू के साथ उसे पीटते हुए दिख रही हैं। उसे पता है उसकी मदर को जब ये खबर मिलेगी होगी तो वो तो पक्का अगले दिन ही बैग पैक करके विंग का मर्डर करने यहाँ आ जाएंगी। बेचारा भी यही विश कर रहा है कि बस उसके माँ बाप ये खबर ना देखें। उसे क्या पता उसके माँ बाप के सर पे तो बम फूट चुका है। अभी और लांग वांग जी इस पूरी पार्टी से अलग वांग जी के उस कैबिन में पहुँचते हैं। जैसे ही वांग जी और विंग उस कैबिन में पहुंचते हैं तो आज विंग बिल्कुल अलग ड्रेड करता है। वो विंग जो हमेशा वांग जी के सामने डरता सहमाता रहता है आज वो गुस्से में गुड़ा गुस्से जोर से चीखता है, मिस्टर लांग वांग जी ये आपने क्या किया? आपने सबके बीच में मुझे अपना फियांसे बोला, आपने ये सबके बीच में कैसे अनाउंसमेंट की? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? विंग बहुत गुस्से में मांग वांग जी की तरफ चीखते हुए बोलता है। वहीं वांग जी विंग के इस रिएक्शन पे और गुस्सा करते हुए अपनी गुस्से वाली आवरा के साथ ही विंग को देखता है और बोलता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए फेक फियांसे अरेंज करने की। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने ये काम कर दिया है तो लास्ट मोमेंट पे तुम वो कहाँ गए? वो अरेंजमेंट का क्या हुआ? पनिशमेंट भी तो तुम्हें ही मिलेगी ना, तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा, तुमने मेरे अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं किया इसलिए मैंने तुम्हें ये पनिशमेंट दी है। अब तुम मेरे फेक फियांसे बनोगे। पर आप होश में हो, आपको पता है मैं एक लड़का हूँ और आप भी एक लड़की हो और आपने ये बात सबके बीच में कैसे डिक्लेयर कर दी कि मैं और आप गे हैं? आप होंगे गे, मैं गे नहीं हूँ। मुझे मेरी फैमिली बनानी है, मुझे एक ब्यूटीफुल सी फैमिली बनानी है। मैंने तो आपके चक्कर में कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई और अब मुझे लगता है कोई लड़की मुझे वैसे भी नहीं देखेगी क्योंकि पूरे चाइना की नज़रों में सारी लड़कियों के लिए तो मैं उनका कॉम्पिटिटर हूँ। सब लोग मुझे इससे वैसे ही गालियाँ दे रहे होंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, सब लोग मुझे अब मार देंगे, कोई लड़की मुझे प्यार नहीं करेगी। आपकी वजह से मेरी फैमिली बनने से पहले बर्बाद होगी, मेरे होने वाले बच्चे विंग ऐसे करके अब रोने लगता है। इस बात पे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वांग जी तुरंत विंग को थोड़ा शांत कर, चुप हो तुम, ये नाटक मत करो और ये रोना धोना बंद करो, मैंने बहुत सोच समझ के किया है और तुम चिंता मत करो, तुम्हें या मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ अंकल इस चीज़ को कभी बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, वो पक्का कल या परसों में सबके बीच में ये चीज़ से डिनाई कर देंगे, वो पक्का इस एंगेजमेंट को तोड़ देंगे, वो कभी भी मेरे गे होने की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तुम भी इस चीज़ से फ्री हो जाओगे और वो मुझे जो जॉब से निकाल देंगे आपको अच्छे से पता है। अगर उन्हें लगा आपके और मेरे बीच में कुछ गड़बड़ है तो वो मेरी जान ले लेंगे, फिर क्या होगा? मेरे घर वालों का क्या होगा? मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरे परिवार को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी? कौन देगा मुझे पैसे? और ये जॉब आपको अच्छे से पता है मैं इसके लिए कितना हार्डवर्क करता था, आपके कारण अगर मेरी जॉब चली गई तो। विंग अब थोड़ा परेशान होते हुए झीकते हुए छोटे बच्चों की तरह थोड़ा सा नाटक करते हुए बोल रहे हैं, जिसपे वांग जी उसे बोलते हैं,
तुम शांत होगे और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम खुद की एक कंपनी बना सकते हो। मेरे पीए बनने से कई ज़्यादा अमाउंट मैं तुम्हें दूंगा कि तुम घर पे रहकर आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपनी खुद की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलना चाहते हो। मैं तुम्हें पूरी की पूरी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोल के दूंगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए सारे क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट की भी डील करूँगा। इन शॉर्ट, मैं तुम्हारी लाइफ के सारे डिसीजन ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ। बस तुम कल तक का वेट करो, कल तुम और मैं इस मुसीबत से फ्री हो जाएंगे। इस बात पे विंग अब स्माइल करता हुआ वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, सचमुच में आपने इतना सब कुछ मेरे लिए सोचा? आपको पता था कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलना चाहता हूँ? क्या क्या आप जानते थे? अरे वाह, मैं तो आपको ऐसे ही एक बैड बॉस मानता था, आप तो मेरे एक गुड बॉस निकले। और ये बोले कार्विंग बड़े स्माइल करता हुआ, बड़ी कैजुअली वांगजी के कंधे पे अपना हाथ रख देता है बिना ये नोटिस करे कि वांगजी को ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी। वांगजी अब घूर घूर के पहले विंग की साइड देखता है और फिर उस कंधे पे जो मतलब हाथ रखा हुआ है उस हाथ की तरफ देखता है। और विंग इशारा समझते ही अपना हाथ हटा के अब क्लैपिंग करता था, सॉरी पर थैंक यू बॉस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आप और मैं गए होंगे तो कुरैन आपके अंकल ये चीज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और हम तुरंत इसे एंगेजमेंट से बाहर हो जाएंगे। थैंक यू बॉस, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। अभी खुश होते हुए बोलते हैं और जिस पे वांगी बिना कुछ रिएक्ट करे वहाँ से चला जाता है। अभी खुशी में अपने रूम में डांस करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लग रहा है कि कल ये एंगेजमेंट टूट जाएगी और उसको एक नई कंपनी मिलेगी और साथ में खूब सारा पैसा पैसा पैसा। वी यही गाना गाते हुए डांस कर करके खुश हो रहा है, कल एंगेजमेंट टूट जाएगी, मुझको पैसा भी मिलेगा, कंपनी भी मिलेगी और इस वांगी से छुट्टी। बेचारा विंग ये सोच सोच के गा गा के डांस कर रहा है। वहीं विंग क्या एक साइड बहुत खुश है यही सोच के कि कल की मॉर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है। विंग को आज बहुत अच्छी नींद आई, उसने खुशी के मारे आज अलार्म भी नहीं लगाया क्योंकि उसे कल कंपनी में जाने की टेंशन ही नहीं है क्योंकि अब तो वो लांग वांगजी का फियांसे है। और दूसरा उसे पता है कल वैसे भी कंपनी की अधिकतर छुट्टी ही डिक्लेयर थी क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ ने बहुत हार्डवर्क किया था इस डे के लिए, तो एक दिन के लिए सबको ऑफ था। विंग बड़े आराम से सो रहा था जब उसका फ़ोन बहुत ज़ोर से बज रहा है, लगातार उसके फ़ोन पर रिंग आ रही है। अब विंग थोड़ा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट होते बोलता है, हाँ छुट्टी के दिन भी कौन मुझे चैन नहीं लेने देता। और जैसे ही फ़ोन पर नाम देखता है तो एकदम से स्ट्रेट पोजीशन में बैठ के फ़ोन पर हेलो बॉस यस बॉस करके बात करने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि लैंड कुरैन है जिन्होंने तुरंत विंग को लैंड मैंशन आने का ऑर्डर दे दिया है। अपनी नींद को छोड़ के तुरंत कपड़े पहन के रेडी होके दौड़ पड़ता है लैंड मैंशन की तरफ क्योंकि इसे पता है कि अब लैंड मैंशन में उसे प्रिपेयर होना है। सच कहे तो दिल में वो बहुत खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कुरैन उसे बुला ही रहे हैं वियांगजी से इंगेजमेंट तोड़ने के लिए, इसलिए वो खुशी खुशी से अपने बेस्ट कपड़ों में रेडी होके आज वो फॉर्मल नहीं बल्कि अपने नॉर्मल कैजुअल क्लोथ में रेडी होके लैंड मैंशन पहुँचता है। वहीं वांगजी जो बड़े आराम से शिचैन के साथ बैठा था विंग को एंट्री करते देखा एकदम से शॉक हो जाता है। उसने हमेशा विंग को बहुत ज़्यादा फॉर्मल कपड़ों में हमेशा बड़े बड़े ग्लासेस के साथ देखा है, आज पहली बार विंग कैजुअल क्लोथ में उसके सामने आया। एंड जनरली आज विंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, उस वो आज बड़े से ग्लासेस नहीं बल्कि लेंसेस लगा के आया था क्योंकि वो आज बेस्ट प्रेजेंट होना चाहता था इस उम्मीद से कि वो एक तरीके से इस नाटक का पार्ट है। आज अपने इन लॉज से मिलने जा रहा है, अपने बॉस से नहीं क्योंकि फ़ोन पे कुरैन ने उसे यही बोल के बुलाया था कि आज वो अपने नेफ्यू के फियांसे से बात करना चाह रहे हैं। वही विंग की इस स्मार्टनेस इस ब्यूटी में कहीं ना कहीं वांगजी इतना गुम हो जाता है कि वो नोटिस ही नहीं करता कि विंग कब से आके उसे और उसकी फैमिली को ग्रेट कर रहा है। बाकी सब लोगों ने तो उसकी ग्रीटिंग को लेके एक्सेप्ट किया और वांगजी शांत है जिसपे उसे जब विंग उसके बिल्कुल पास में बैठ के धीरे से उसके कान में बोलता है, क्या हुआ बॉस आपको लग रहा है हमारा प्लान सक्सेस होने वाला है? विंग थोड़ा धीरे से बोलता है, वांगजी अपने फेस के इतने करीब विंग को देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन उसे ये कहीं से भी वो ऑड और अजीब सी फीलिंग नहीं दे रहा। क्या उसका कारण ये है कि विंग और वो 10 साल से एक दूसरे के साथ हैं या फिर विंग के उसके दिल में काफ़ी समय से कुछ और फीलिंग थी लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था?
विंग की क्लोजनेस, जिससे इस समय वांग जी के विंग के हर फीचर बहुत क्लियरली दिख रहा है। उसकी वो बड़ी गहरी गहरी आँखें, वो अमन शेप आइज वांग जी को बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। और ये शार्पी नोज, वांग जी को हुआ क्या, एक रिंग पहनाते इतनी अलग फीलिंग कैसे आ गई वांग जी को। वांग जी इसी सोच से थोड़ा सा खुद को ठीक करता है और सीधा बैठ जाता है वहीं भी। जब वांग जी उसके क्वेश्चन का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो एक पाउटी सा फेस बना के साइड में बैठ जाता है वहीं। कुछ पीछे खड़ा हुआ जिंगी इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा है। उसने विंग के एंट्री करते ही वांग जी का लगातार उसे घूरना और अभी वांग जी का ये पिंक विश उसके कान का होना भी नोटिस किया। अब विंग और वांग जी की तरफ देखते हुए कुरैन बोलते हैं, तुम दोनों इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हो, मुझे जानना है। इस बात पे विंग और वांग जी जो शायद प्रिपेयर नहीं थे एक साथ बोलते हैं, एक 8 और दूसरा 5, जिसे अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों को समझ में नहीं आया इन्होंने क्या कर दिया। वहीं कुरैन थोड़ा सा अपनी टी का सिप लेते हैं और उन दोनों की तरफ एक क्वेश्चन भरी नज़रों से देखते हैं। अब बात संभालने के लिए विंग बोलता है, वो मैं फर्स्ट टाइम से ही वांग जी की तरफ अट्रैक्टिव था, इसलिए मैंने 8 बोला, लेकिन इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम 5 साल पहले ही अपनी फीलिंग बताई, तो इनकी साइड से 5। विंग थोड़ा कोशिश कर रहा है कि बात संभाले। वही विंग के इस तुरंत हाजिर जवाब को सुन के वांग जी को अच्छा लगता है। अब कुरैन एकदम से, तो तुम दोनों मुझसे छुप के 5 साल से डेट कर रहे हो, पर मुझे आज तक इस बारे में पता क्यों नहीं चला। अब कहीं ना कहीं कुरैन इन दोनों की तरफ क्वेश्चन भरी नज़रों से देख रहे हैं, जिस पे वांग जी बोलते हैं, क्योंकि हमें लगा था कि आप शायद हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे लिए आपकी एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दोनों प्रिपेयर हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तब भी हम इस रिलेशनशिप को तोड़ देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपका दिल दुखाएं। वांग जी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने अंकल को मनाते हुए बोलते हैं। वहीं विंग भी बिना कुरैन की कोई बात सुने एकदम से बोलते हैं, यस बॉस, हमारे लिए आपकी एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहेंगे तो हम दोनों अभी ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे, लेकिन हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते और मैं ये जॉब जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता, इसी कारण हम ये बात छुपा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ने अपने आप को बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे हम अग्री करेंगे और हम दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए भी तैयार हैं। विंग बड़े स्ट्रांगली बोलते हैं, जिस बात पे एकदम से कुरैन बोलते हैं, पर मैं तो ऐसा नहीं चाहता, जिसे आप विंग और वांग जी कुरैन की साइड देख रहे हैं। वहीं जय पीछे खड़ा हुआ जिंगी स्माइल करने लगता है। वहीं शिचैन और डेंची जो पहले से कुरैन के डिसीजन को जानते थे वो बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं। अब वांग जी क्या फिर इतना ही बोलता है। अब कुरैन अपने उस टी वाले कप को सामने रख के स्ट्रेट पोजीशन में बैठते हैं और इशारा करते हैं उनके एक सर्वेंट को, जो सर्वेंट तुरंत वहाँ पे कुछ पेपर्स के साथ आ जाता है। अब वो पेपर्स के साथ कुरैन वो विंग की साइड देखते हैं और बोलते हैं, हमारे ये नया कंपनी जो अब शंघाई में ओपन हो रही है उसके तुम ओनर रहोगे। ये लैंड कॉरपोरेशन शंघाई के हेड ऑफिस के डॉक्यूमेंट और पेपर प्रॉपर्टी की है, जो मैं एज अ एंगेजमेंट गिफ्ट तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जिस बात पे विंग अब शॉकिंगली कुरैन की तरफ देख रहा है, वहीं वांग जी भी शॉकिंगली कुरैन की साइड देख रहा है और एकदम से उठा, आप विंग को ये नहीं दे सकते, विंग मेरा पी है और मैं विंग को शंघाई नहीं जाने दूंगा। इस बात पे अब विंग हंसने लगती है और बोलती है, अरे अंकल की पूरी बात तो सुनो, वो सिर्फ विंग को ओनर बना रहे हैं, वो कोई विंग को शंघाई नहीं भेज रहे, हम तुम्हारे फियांसे को तुमसे दूर नहीं कर रहे, पहले पूरी बात सुनो। इस बात पे अब विंग उन पेपर्स को और अंकल को देख रहे हैं। अब अंकल बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें लोग बुली करेंगे ये बोल के कि तुम हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो, अब मैं नहीं चाहता कि तुम और को कोई भी तकलीफ हो या तुम्हें कोई परेशान करे, तुम मेरे नेफ्यू के फियांसे हो तो तुम्हारे पास एक अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारे और वांग जी के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि वांग जी ने अपनी लाइफ में अपने प्यार के लिए सबके बीच में स्टैंड लिया और इसलिए मैं तुम दोनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ और अपनी ब्लेसिंग देता हूँ। इस बात से विंग और वांग जी पूरे शॉक हो जाते हैं। वांग जी तो तुरंत बोल रहे, पर अंकल आप तो हमेशा कहते थे आप चाहते हैं मेरी फैमिली हो, मेरी बेबी हो, तो अब आप। तभी वांग जी के इस रिएक्शन पे विंग भी एकदम से कुरैन की तरफ देखने लगता है, जैसे वो होप कर रहा है कि कुरैन अब कह दे कि नहीं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। जिस पर कुरैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बच्चों का क्या है, वो तो तुम दोनों मैच्योर हो,
अडॉप्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर एक मेल और फीमेल हो, प्यार प्योर होता है, वो मेल और मेल में भी हो सकता है। मुझे तुम दोनों की रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम विंग के साथ खुश हो तो मैं और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, है ना वेंजिंग, है ना शिचैन। जिस पर शिचैन और वेंजिंग भी स्माइल करते हुए विंग और वांगजी की तरफ देख के हाँ में अग्री करते हैं। वहीं विंग और वांगजी तो पूरे शौक है। अब विंग एकदम से कुछ सोच के बोलता है, लेकिन मैं आपकी इस बात पर सपोर्ट नहीं करता हूँ। अब वांगजी विंग की तरफ देख रहा है। अब विंग बोलता है, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लूँगा। मैं जानता था कि आगे आके ये मेरे और वांगजी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। आप लोग बहुत ऊँची फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं एक बहुत लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है। हम मेरे फादर एक छोटे से फिशरमैन हैं, वो यूनबर्ग के पास रहते हैं और यूनबर्ग की लेक से फिशेस कलेक्ट करके आसपास की मार्केट में सेल करते हैं। मेरी फैमिली वो आपकी फैमिली से कहीं भी बराबरी नहीं करती और मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ। मैं अपनी काबिलियत पे कुछ बनना चाहता हूँ। माफ़ कीजिए, मैं ना ही आपकी ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं जानता हूँ लोग मुझे बुली करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं वो सब रहूँगा पर जो मुझे बनना है मैं अपने आप बनना चाहूँगा। सॉरी, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लूँगा। और अगर आपको मेरे और वांगजी के स्टैंडर्ड से इस सोसाइटी के डिफरेंस से प्रॉब्लम है तो मैं अब इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म भी कर सकता हूँ। वांग विंग तुरंत बोलता है। विंग को ये बात जेन्युइनली लगी। हाँ, वो जानता है वांगजी उसे कंपनी देगा, लेकिन वो ये सोच रहा था कि उसने 10 साल वांगजी के साथ मेहनत की है और उसके कारण वो ये कंपनी लेगा। इसलिए नहीं क्योंकि उसे कि वांगजी के स्टैंडर्ड का बनना है। कुरैन उसे कंपनी देके वांगजी के स्टैंडर्ड का बनाना चाह रहे हैं, जो कि विंग को शायद जेन्युइनली अच्छा नहीं लगा। और दूसरा, उसे ये एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस एंगेजमेंट से बाहर निकलने का, तो वो ये अटैम्प्ट करता है, जिसे कुरैन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है और शिचैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हमें पता था कि तुम जैसा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन ये चीज़ पसंद नहीं करेगा, इसलिए अंकल ने पहले ही तुम्हारी फैमिली के बारे में पता कर लिया था और हम तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं। अंकल तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे हमारी सोसाइटी के लोगों की गलत बातों से, लेकिन तुम्हारी इस कॉन्फिडेंस के बाद हमें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और ख़ुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो और प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। वहीं भी अब शॉकिंगली उन लोगों की तरफ देखते हैं। अब कुरैन दोबारा से बोलते हैं, विभूषण तुमने सचमुच में प्रूफ कर दिया है कि तुम्हें वांगजी ने चूज़ करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तुम सचमुच में एक जैम हो, तुम एक डायमंड हो जो कहीं कोयले में छुपा हुआ था। तुम्हें और तुम्हारी असली पहचान को वांगजी ने ही चूज़ किया है। मुझे ये तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद आया और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली से खुद बात करूँगा। अब बेचारा विंग जो सोच रहा था वो एकदम सोचता, क्या आप मेरी फैमिली से बात करेंगे? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपनी फैमिली से बात करूँगा। और आप जैसे बड़े लोग मेरी फैमिली से बात करेंगे तो वो उन्हें डायरेक्टली प्रेशराइज हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को खुद मनाऊँ, वो किसी के प्रेशर नहीं बल्कि सच्चे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। विंग थोड़ा सा बेचारा नर्वस होता हुआ घबराता हुआ बोल रहा है। वहीं शिकुरैन स्माइल करते बोलते हैं, सही बात है, तुम्हारी फैमिली को तुम्हें खुद मनाना चाहिए, पर तुम्हें अकेले नहीं बल्कि वांगजी को भी तुम्हारे साथ ये काम करना चाहिए। वहीं वांगजी जो शॉकिंगली पहले ही अपने शौक में बैठा हुआ था, एक के बाद एक उसके ऊपर बम फूटे जा रहे हैं। वो सोच रहा था कि ये एंगेजमेंट तुरंत टूट जाएगी और कहाँ अब उसके अंकल विंग की इतनी तारीफें कर रहे हैं, वो सोच के वो शौक में था। अचानक से जब ये सुनता है तो अपने अंकल की तरफ देखता है। उसके अंकल बोलते हैं, मैंने तुम दोनों के लिए प्लेन के टिकट बुक कर दूंगा और तुम दोनों तुरंत अब विंग की फैमिली के पास जाओ। मैं जल्द से जल्द विंग की फैमिली से मिलना चाहता हूँ। तुम दोनों वहाँ जाके उन्हें मनाओगे। और वांग जी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से विंग ने हम लोगों के दिल को जीता है, हम लोगों के साथ अपना इतना अच्छा बॉन्ड बनाया, अब ऐसे ही तुम्हें भी विंग की फैमिली के साथ अपना अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। अपने प्यार के लिए तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए। विंग और वांगजी अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ये कौन सी नई मुसीबत में फंस गया। अब वांगजी जो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, पर विंग तुरंत बोलता है, आपको नहीं पता मेरी फैमिली जहाँ रहती है वहाँ कोई प्लेन नहीं जाता।
हम लोग को पहले शंघाई में उतर मतलब प्लेन से उतरना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ तक सिर्फ बस का रूट है। मुझे नहीं लगता लांगवांग जी सर वहाँ जा पाएंगे। डोंट वरी, मैं खुद अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ और उनसे बात करूँगा। जैसा डिसीजन होगा मैं आपको तुरंत बताऊँगा। वीन इसी होप में कि वो अकेले जाएगा, फिर बहाना बना देगा कि उसके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, चीज़ें मतलब नहीं अरेंज हो रही हैं और फिर इंगेजमेंट टूट जाएगी, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कुरान तो ज़िद्दी हैं, वो तुरंत बोलते हैं नहीं, वांग जी तुम्हारे साथ ही जाएगा। बेचारे विंग और वांग जी कोशिश करते हैं कि वो इस मुसीबत से बच जाएं, लेकिन कुरान जिद के पक्के हैं, यहाँ तक कि वो इन दोनों के साथ अपना एक चमचा शूशेक भी साथ में लगा देते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग जैसा रूट होगा उस रूट को फॉलो करके वांग जी विंग के साथ विंग की फैमिली से मिलने जाएगा, उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करके मना के यहाँ लेकर आएगा और फिर साथ दोनों फैमिली मिलके इन दोनों की शादी की प्लानिंग करेंगे। कुरैन ने तो इन दोनों की शादी की प्लानिंग तक कर ली है, ये सोच के विंग और वांग जी ऑलरेडी चक्कर खा रहे हैं। वहीं विंग ने और वांग जी ने कोशिश भी की कि शादी की इतनी जल्दी क्या है, लेकिन कुरैन ने बोला कि ऑलरेडी वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से हैं, इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो गई है और इससे अब शादी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जल्द से जल्द विंग और वांग जी को हैप्पी देखना चाहते हैं, इन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। अब विंग और वांग जी के रूम में जाते हैं और रूम में आके विंग परेशान के मरे इधर उधर भागने लगता है। वो बोलने लगता है, ओ माय गॉड, मुझे बॉस ही क्या हो गया, आके अंकल ने हाँ कर दी। आपके अंकल हाँ कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे कहा था आपके अंकल ये एंगेजमेंट तोड़ देंगे, अब हम क्या करेंगे। बॉस मैं आपसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, मैं जेन्युइनली आपके से एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। बेचारा विंग थोड़ा सा परेशान होते बोलता है, वांग जी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, तो मैं करना चाहता हूँ कि भी किसी लड़के को अपना फियांसे नहीं बनाना था और अंकल ने हाँ कर दी, ये तो मुझे खुद शॉक लग रहा है। देखो बॉस, आपको जो करना है वो करो, लेकिन आप मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ नहीं जाए पास नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़, मैंने 5 साल से अपनी लीव्स का वेट किया है और अब मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ, आप मेरी लीव्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे। विंग थोड़ा धमकाते हुए उंगली से विंग को धमकाते हुए वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही विंग वहाँ से चला जाता है, वांग जी शॉकिंग के लिए वहाँ खड़ा रहता है और बोलता है, क्या इस पीए ने मुझे धमकाया, ये सचमुच में मुझे अपना फियांसे समझने लगा क्या, इसकी इतनी हिम्मत। वांग जी थोड़ा गुस्सा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वहीं विंग यही सोच के कि वो चुपचाप से अभी तुरंत अपने घर चला जाएगा, वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। हाँ, उसे 5 साल हो गए अपने घर गए हुए, हर बार वो जब भी लीव्स के लिए अप्लाई करने की सोचता है कुछ ना कुछ काम आ जाता था। और दूसरा, उसके पास इतने पैसे मतलब टाइम और पैसा भी नहीं था, क्योंकि उसके घर से मतलब अपने घर से उसके घर तक जाने का जर्नी ही 2 दिन की होती थी। पहले उसे ट्रेन से जाना होता था, फिर उसे बस पकड़नी होती थी और उसके बाद एक मोटर बोट से वो आइलैंड जैसे इस छोटे से शहर में जाया करता है जिसका नाम युनमग है। युनमग में जाने का प्रोसेस 2 दिन तक होता था, इसलिए बेचारा विंग यही सोच के कि 2 दिन आने में और 2 दिन जाने में वेस्ट होंगे, इससे अच्छा है कि वो ना ही जाए या एक लंबे हॉलीडे के बाद जाए। इस 50th मतलब जो एनिवर्सरी होने वाली थी उसके बाद उसने वांग जी से करीबन 20 दिन की छुट्टी ली थी और वांग जी भी विंग ने 5 साल में कोई लीव नहीं ली, इसलिए उसकी बात पे अग्री कर जाता है। पर उसे क्या पता था उसके साथ ये सब हो जाएगा। बेचारा विंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लास्ट टाइम वो अपनी सीजे की शादी में ही गया था और वो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाया था, उसने सिर्फ अपनी सीजे की शादी की सारी तैयारी शहर से करी थी, सारे गिफ्ट उसके इन मतलब सीजे के ससुराल वालों के लिए गिफ्ट, सारी शादी की चीज़ें जो उसके अपनी सीजे के लिए करनी थी वो सब वो तैयार करके गया था। और इस बार भी वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट और सब कुछ तैयार करके ले जा रहा था, इसलिए उसके पास बड़े बड़े से 2 बैग थे और बड़ी खुशी और एक्साइटमेंट में अपने घर से अपने फ्लैटमेट यानी नी हुसैन को बाय करके खुशी से बाहर निकला था, जब उसको एक बड़ा शॉक लगता है। उसकी बिल्डिंग के आगे लानकुरैन वांग जी के साथ खड़े हुए हैं, वांग जी भी अपने एक बैग के साथ वहाँ खड़ा हुआ है और साथ में लानकुरैन का फेवरेट उनका एक एम्प्लॉय यानी शूशेक खड़ा हुआ है। उन दोनों को वहाँ देख के विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो जाते हैं, वो खुशी और एक्साइटमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले थी वो कहीं अजीब से टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब विंग आगे जाके हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर करके ग्रीटिंग करता है, यानी हमारे लानकुरैन को। वहीं कुरैन बड़े प्यार से विंग के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, अब तुम मुझे सर और बॉस बोलना बंद करो।
अब मैं तुम्हारे लिए भी अंकल हूँ, जैसे मैं वांग जी और शिचैन का अंकल हूँ, इसलिए तुम आगे से मुझे अंकल ही बोलोगे। नहीं वांग जी, बड़ा शॉकिंगली अपने बॉस के इस बदले हुए नेचर को देख रहा अब स्माइल करते हुए, ओके अंकल, पर आप इतनी मॉर्निंग में मेरे फ्लैट के सामने, मतलब मेरी बिल्ड ऑफ यहाँ पे लोकेशन में क्या कर रहे हैं? बेचारा भी थोड़ा घबराते हुए डरते हुए कुरान से पूछता है। अब कुरान स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार तुम अकेले नहीं बल्कि तुम्हारे साथ वांग जी भी जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने और तुम दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में बात करने। जैसे अब वांग शॉकिंगली अक्षर वांग जी की तरफ देख रहा है, जो वांग जी इधर उधर अपनी नजरें विंग से चुरा रहा है क्योंकि उसे पता है कि विंग उसे बहुत गुस्सा करेगा। विंग भी गुस्से में ही वांग जी को देख रहा था। अब एकदम से कुरैन बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, यहाँ से तुम्हारे जहाँ तक का सफ़र गाड़ी से होता है वहाँ तक हमारी कार्स तुम दोनों को लेकर जाएंगे और साथ में शूशे भी तुम लोगों के साथ रहेगा। इस बात पे भी थोड़ा शॉकिंगली अब कुरैन की साइड देखता है और बोलता है, बट मेरे घर तक का सफ़र 2 दिन का है, मुझे नहीं लगता अब आपको बॉस को परेशान करना चाहिए, कितना सारा काम होता है उनके पास, पूरी कंपनी उन्हें हैंडल करनी होती है और वो इतने दिन मेरी तरह छुट्टी नहीं ले सकते ना। कोई बात नहीं, मैं अभी चला जाता हूँ पर मैं वहाँ से अपने पेरेंट्स को मना के यहाँ लेके आऊँगा, फिर बॉस मिल लेंगे। वी अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो बच जाए, लेकिन कुरैन तो कुरैन है। कुरैन तुरंत बोलते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से जहाँ तक फ्लाइट जाती है वहाँ तक तुम लोग फ्लाइट से जाना और उसके बाद बाकी सबकी जिम्मेदारी ये शूशे उठाएगा, ये तुम लोगों के साथ पूरे जर्नी में रहेगा ताकि तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो। और हाँ, रही बात कंपनी की, तो मैं कंपनी हैंडल करूँगा, वांग जी को भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, वो भी कई साल से नॉन स्टॉप काम कर रहा है, ये उसके लिए भी एक छोटा हॉलीडे होगा। बेचारा वांग जी कुछ नहीं बोल पाता, बस चुप खड़ा है। वहीं विंग को वांग जी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, वैसे तो बेचारा अभी स्माइल कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अभी कुछ कह नहीं पाता। कुरैन के सामने वैसे भी कोई कुछ कहाँ ही बोल पाता है, इसलिए ये लोग मुंह लटकाए हुए पहले एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से जहाँ तक एयरपोर्ट पास में था विंग के घर के वहाँ तक फ्लाइट से जाते हैं। यहाँ बहुत कम फ्लाइट जाती है इसलिए टिकट बहुत बहुत दिन में होते हैं, लेकिन ये लांग वांग जी एंड फैमिली के पास तो खुद के प्राइवेट जेट्स होते हैं, तो यहाँ उनमें से एक जेट में ये सारे लोग वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक फ्लाइट फ्लाई कर सकती हैं। उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल के विंग की तरफ देख रहे हैं। शूशे और वांग जी विंग से जानना चाहते थे आगे कैसे जाना, जिस पर विंग स्माइल करते हुए बोलता है, इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे, या ये कह दें आपकी पावर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारे विलेज में जाने के लिए कुछ ही वाटर बोट्स चलती हैं और उसके लिए हमें यहाँ घंटों तक वेट करना पड़ता है। चलिए आप वहाँ पे वेट करते हैं, वैसे मेरे पेरेंट्स को तो यही उम्मीद थी कि मैं 2 दिन बाद वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन कोई नहीं, आज वो मुझे देख कर सच में बहुत खुश होंगे। विंग इसी एक्साइटमेंट में अब उस वाटर बोट का वहाँ पे वेट करने लगता है। बहुत देर बाद वहाँ पे एक वाटर बोट आती है जिसके हाल बेहाल है, पुरानी सी दिखने वाली। ये वाटर बोट को देख के वांग जी और शूशे तो घबरा जाते हैं। वहीं विंग खुशी से स्माइल से उस वाटर बोट को ड्राइव करने वाले अंकल से मिलता है, क्योंकि वो इन्हें जानता है, बचपन से वो इनके वाटर बोट में घूमता है, तो वो खुशी से मिलता है। वहीं वो अंकल भी उस न्यूज़ को देख चुके थे, इसलिए वो बिल्कुल भी वांग जी को वेलकम नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके विलेज का इतना स्मार्ट होनहार बच्चे को इस लांग वांग जी बिगाड़ा है और इस लांग वांग जी की वजह से ही उनके विलेज का इतना स्मार्ट बच्चा, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा ये बन गया, इसलिए उन वांग जी को बिल्कुल घूर घूर के देख रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे गंदी जगह बैठा है जहाँ से फिशेस की स्मेल भी वांग जी को आ रही है। वहीं शूशे भी नाक पकड़ के कोने में वांग जी के पास बैठा है। वहीं विंग बहुत दिन बाद इस वाटर बोट में बैठ के बहुत खुश हो रहा है, वो उन अंकल से हंस हंस के बातें कर रहा है और स्माइल करता हुआ उनके पास बैठा हुआ है। वहीं इस वाटर बोट के को विंग कितना एंजॉय कर रहा है वो चीज़ वांग जी महसूस कर रहा है, वो बीच बीच में अपने हाथ पानी में भी डाल रहा है, स्माइल कर रहा है और बार बार आँख बंद करके इस सी के हवा, मतलब इतना वाटर के जो हवा थोड़ी सी मिक्स हवा चलती है उसे फील करने की कोशिश कर रहा है। विंग को ये ऐसे भी खुलेआम जिन लाइफ जीने वाला एंजॉय करने वाला विंग बहुत टाइम बाद देखा है। वांग जी ने हमेशा विंग को ऑफिस में एकदम फॉर्मली प्रोफेशनली बिहेव करते हुए, यस बॉस, ओके बॉस, हो जाएगा बॉस, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ बोलते हुए सुना नहीं और स्माइल करते हुए तो बहुत कम देखा है।
लेकिन आज वीं को ऐसे खुले दिल से स्माइल करते देख के वांगजी को पता नहीं क्यों बहुत वार्मनेस सी फील हो रही है अपने दिल में। वहीं शूशे परेशान होते हुए बोलते हैं, ये विभूषण हमें कैसी जगह ले आया है बॉस, देख रहा कितनी स्मेल आ रही है इस बोट पे। हम कोई और बोट भी तो कर सकते थे, हम अपनी प्राइवेट बोट यहाँ से ला सकते थे। हाँ, और वो कैसे करते तो क्या पहले से हमने सोचा था कि हमें यहाँ पे ड्राइव करना है? जैसा चल रहा है चुपचाप से करने दो, तुम्हें अच्छे से पता है अंकल ने बोला है हमें विंग को परेशान नहीं करना और जैसा विंग चाह रहा है वैसे ही करना है। इस बात पे शुशे भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता। ये लोग अब दूसरी साइड पहुँचते हैं इस छोटे से यूनबर्ग के आइलैंड पे। जैसे ही ये लोग बोट से उतरते हैं तो सामने पूरा का पूरा विलेज विंग का वेलकम करने के लिए खड़ा है। सब लोग खुशी और एक्साइटेड में विंग को मिल रहे हैं, कोई शैनगा करके, कोई विंग, कोई आइंग करके विंग से खुशी और एक्साइटमेंट में मिल रहे हैं। विंग अपने इस छोटे से विलेज का एक सेलिब्रिटी वाला फील ले रहा है। वहीं विंग को ऐसे खुशी से सब लोग मिल रहे हैं ये देख के वांगजी और शुशे पूरा शौक है। उन लोगों ने कभी रियलाइज नहीं किया था कि ऐसा होता है। कुछ लोग बड़े प्यार से विंग को ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं, उसका माथा चूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे शैनगा करके विंग को बहुत सारे लोटस फ्लावर दे रहे हैं। कुछ तो लोटस सीट्स दे रहे हैं क्योंकि सबको पता है विंग को लोटस सीट्स बहुत पसंद है। वहीं कोने में खड़ी हुई लड़कियां ब्लश कर करके विंग को देख रही हैं। वांगजी समझ नहीं पा रहा है ये प्रोसेस क्या हो रहा है। वहीं विंग स्माइल करता हुआ सबसे मिल रहा है पर वो शॉक है कि उसकी पूरी फैमिली का कोई यहाँ पर नहीं आया। वरना अधिकतर बोट में कोई आ रहा होता है तो पहले से खबर पहुंच जाती है विंग यहाँ आ रहा है। जब हर बार वो आता है तो उसकी पूरी फैमिली कोने पे उसका वेट करती है, बीच पे सब लोग इंतजार करते हैं विंग के आने का, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं आया। ये देखिए विंग थोड़ा शौक है, फिर विंग सब वांगजी को स्माइल करता हुआ बोट से हाथ पकड़ के उतरवाता है। ये देखकर वो लोग जो भी बहुत खुश हो रहे थे वो घूर घूर के विंग वांगजी को देखने लगते हैं। वहीं वांगजी ये सोच रहा है कि विंग को सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं और उसे सब लोग ऐसे घूर घूर के गुस्से वाली नज़रों से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वैसा मैंने बोला गाँव के लोगों को विंग उनका सबसे प्यारा होनहार बच्चा लगता था और उन्हें वांगजी उनको बिगाड़ने वाला एक पर्सन, तो वो लोग तो उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे हम लोगों की मम्मी जिस बच्चे को पसंद नहीं करती अब वो हमारे घर आ जाते हैं तो मम्मी कैसे घूर घूर के देखती है ना। ऐसा ही हाल इस समय इस जगह हो रहा है। बेचारा वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहे कि उसकी गलती क्या है जो ये लोग उसे इतने बुरी तरह से इतने गुस्से वाली नज़रों से देख रहे हैं। अधिकतर वो वांगजी है जो कोल्ड ऑरा अपने सराउंडिंग में रखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ बाकी सब लोग वांगजी के सराउंडिंग में अपना कोल्ड ऑरा लेकर कैरी कर रहे हैं। नहीं विंग वांगजी को बड़े आराम से वहाँ से वॉक करते हुए अपने घर की तरफ ले जा रहे हैं। वहाँ उस बोट से घर तक की वॉक में ये सनसेट देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये रोड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब बड़े एक उतना बड़े शहर जैसी चौड़ी रोड नहीं है बल्कि एक वन वे है, लेकिन साइडों में घास उगी हुई है, छोटे छोटे से जंगली फ्लावर लगे हैं और दूर से पानी की आवाज़ आ रही है, पानी की लहरों की आवाज़ और सनसेट हो रहा है। ये जगह में इतनी शांति है ये देख के वांगजी सचमुच में महसूस कर रहा है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। विंग खुशी और एक्साइटमेंट अपने घर की तरफ जा रहा है। वहीं वांगजी दूर से देखता है एक पुराना टूटा हुआ सा घर जिसकी छत काफ़ी डैमेज है और ये एक दो स्टोर का घर है यानी दो फ्लोर का, जिसका ऊपर का फ्लोर काफ़ी बेहाल हाल में लग रहा है। ये पुराने स्टाइल का बना हुआ चाइनीज घर है यानी जहाँ पे चारों तरफ लकड़ी की छोटी सी बाउंड्री है और अंदर कुछ बड़े बड़े से मतलब एक तरीके से लकड़ी के फट्टे से रखे हुए हैं और उन पे रस्सियाँ बंधी हुई हैं जिन पे शायद कपड़े सूखते होंगे। पास में एक लकड़ी का बड़ा सा दीवान टाइप पड़ा हुआ है जिसपे शायद सब्जियाँ या मछलियाँ सुखाई जाती हैं। ये एक गांव का एक चाइनीज गांव का एक पुराना सा घर लग रहा है। वहीं भी जैसे ही मदर फादर करता हुआ गेट खोलता है तो दूर से उड़ती हुई एक चप्पल आती है जिसे विंग समझ नहीं पाता है। वो विंग उस चप्पल से साइड होता है। वहीं वांगजी थोड़ा चप्पल से दूर था लेकिन शूशे के सीधा सर पे जाके वो चप्पल लगती है और शूशे आ करता है। विंग शॉकिंगली देख रहे हैं तो देख रहा उसकी मदर दूर से उसे गुस्से में घूर घूर के देख रही है और उसके बाद विंग एकदम से मदर से आगे कुछ बोलता मैं दूसरी साइड से मैडम व्यू बड़ी सी झाड़ू लेके विंग के पीछे दौड़ पड़ती है। विंग समझ नहीं पाया ये उसकी मदर को क्या हुआ, उसकी मदर उसे देख के खुश नहीं है क्या जो उसे आया से चप्पल और झाड़ू से स्वागत कर रही है। बेचारा विंग मदर क्या हुआ आप मुझे मार क्यों रहे हो कह के पूरे मतलब आंगन में दौड़ रहा है। और वांगजी और शूशे गेट दरवाजे के साइड में खड़े होकर शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं पीछे से अब दो इंसान इस जगह आते हैं जिनमें एक है जैन फैमिया यानी विंग के फादर और दूसरा उसका छोटा भाई।
यानी जंचा बॉय विंग के फादर और जंचा उसकी मदर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ विंग के फादर दौड़ के उसकी मदर को रोक रहे हैं, वहीं जंचा अपने भाई के आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन के अपने मदर के सामने आ रहा है। अब मैडम यू जो पूरे गुस्से में है वो कहती, तुम दोनों साइड में हटो, अजीन साइड हटो, आज मैं इसके टांगे तोड़ दूंगी, इसकी इतनी हिम्मत, ये ऐसा कैसे कर सकता है। ये बोलने के बाद मैडम यू रुकने वाली कहा, वो तो अपने झाड़ू के साथ विंग के पीछे और जोर से दौड़ पड़ रही है। वहीं जैन कामिया और जंचा के लिए भी ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो रही है, यानी मैडम यू को रोकना, फिर भी वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो मैडम यू को रोक सके। बहुत मुश्किल और हिम्मत के बाद मैडम यू को एक साइड से जैन कामिया और जंचा रोक रहे थे, तभी पीछे से एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है, सब लोग शांत हो जाओ। जब सब लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, एक एजेड सी लेडी जो शायद अपने 65 या 70s में होंगी, रिंग की ग्रैंड मदर बाउशा सरन है जो यहाँ इस समय एंट्री कर रहे हैं। वहीं बाउशा सरन की आवाज़ से मैडम यू भी शांति से खड़ी हो जाती है। अब बाउशा सरन गुस्से में यू मैडम यू की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, यू तुम इसकी पिटाई और डांट बाद में लगा सकते हो, पर तुम्हें देखना चाहिए कि इसके साथ कुछ गेस्ट भी आए हैं। जैसे ही मैडम यू को ये बात बोलती है चाचा सरन, तो सब लोगों का ध्यान अब डोर पे खड़े हुए उन दोनों लोगों पे पड़ता है, यानी लांग वांग जी और शूशे। शूशे जो बेचारा अपना सर पकड़े खड़ा है, और वहीं लांग वांग जी अपने एज यूजुअल स्ट्रेट कोल्ड फेस के साथ खड़े हुए हैं। उन दोनों की तरफ ध्यान जाते ही अब मैडम यू जल्दी से झाड़ू छोड़ के वांग जी के पास आती है। वहीं वांग जी को लगा था कि जैसे सब गाँव के लोग घूर घूर के वांग जी को देख रहे हैं, ये भी ऐसे ही करेंगी, लेकिन नहीं, मैडम यू तो सोच से बिल्कुल उल्टा जाके वांग जी को हक कर लेती है, जिसे देख के वांग जी विंग और बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं। मैडम यू भी काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी कोल्ड पर्सन है, वो जल्दी से अफेक्शन प्यार हक या इस टाइप की चीज़ें अपने बच्चों के साथ नहीं करती है, लेकिन वो एक स्ट्रेंजर को ऐसा कर रही है, ये देख के विंग शॉक है। वहीं वांग जी कोई बहुत दिन बाद उसे इस तरीके से हक करके इतना वार्म वेलकम कर रहा है, ये देख के शौक है, क्योंकि वो हमेशा बड़ी बड़ी पार्टीज में जाता है जहाँ लोग उसे ऐसे फॉर्मली ही वेलकम करते हैं, ऐसे उसके साथ फर्स्ट टाइम है। ये मैडम बड़े प्यार से हक करती है और कहती, ओह माय गॉड, मेरा ध्यान तुम पे क्यों नहीं गया, सॉरी अपनी मदर को माफ़ कर दो, सॉरी अपनी मदर इन लॉ को माफ़ कर दो, मुझे अपने सन इन लॉ के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम फर्स्ट टाइम आए हो तो तुम्हारा तो स्पेशल वेलकम होना चाहिए। और ये बोलने के बाद मैडम यू तुरंत जैन फैमिया और जंचा की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों भी स्माइल करते हुए एकदम दौड़ के वांग जी के पास आते हैं और स्माइल उसे घर में मतलब अपने साथ ले जाने लगते हैं। वांग जी को इस तरीके से खुशी खुशी से ये तीनों लोग वेलकम कर रहे हैं और अपने साथ घर में आराम से ले जा रहे हैं। विंग को बिल्कुल इग्नोर करके ये देख के विंग पूरा शॉक है। विंग मन में सोच रहा है कि मैं इस घर का बेटा हूँ, मैं इतने साल बाद अपने घर आया हूँ, इनमें से किसी को भी मुझसे प्यार क्यों नहीं आ रहा, कोई मुझे क्यों नहीं वेलकम कर रहा। वहीं बाहसा शरण शूशे को लेकर अंदर चले जाते, विंग को सबने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे दूध से निकाल के मक्के को फेंक के इग्नोर कर दिया हो। बेचारा विंग वहाँ खड़ा हुआ है, अब वो थोड़ा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन है, घर में जाता है तो और ज़्यादा शौक हो जाता है। लांग वांग जी के लिए पूरी टेबल सजा के रखी गई है, वांग जी के लिए सामने बड़ी सी टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। अपनी पूरी लाइफ में विंग ने कभी भी किसी गेस्ट के लिए उसके घर वालों ने ऐसे टेबल नहीं सजाई थी देखा नहीं है, यानी इस टेबल पे जो भी उनके घर की बेस्ट चीज़ें होती हैं, जो उनकी उसकी मदर ग्रैंड मदर कुक करती है, वो सब चीज़ें यहाँ लगाई गई हैं। और इतना ही नहीं, बाउशा सरन तो बिल्कुल लांग वांग जी के साइड में बैठ के उसे अपने हाथों से खिला रही हैं, जिसे लांग वांग जी भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट ना करके प्यार से खा रहा है। वांग जी को ये वार्म वेलकम बहुत अच्छा लगा, वांग जी को इतने प्यार से बाउशा सरन ने अपने पास बैठा के खुद खाना खिलाया, ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छी लगी। वो इस एजेड सी लेडी को मना नहीं कर पाता है और प्यार से उनके हाथ से खाना खाने लगता है। वहीं दूर खड़ा हुआ विंग ये देख के पूरी तरह से शौक है, उसकी मदर जो जल्दी से किसी के सामने स्माइल नहीं करती, वो स्माइल कर करके शूशे को भी सॉरी बोल रही है, क्योंकि वो शूशे को नहीं बल्कि विंग को मारना चाहती थी और गलती से बेचारा शूशे को चोट लगी। वहीं शूशे भी काफ़ी खुश होता है इन लोगों के इस वार्म वेलकम पे। वहीं विंग वहाँ खड़ा हुआ सबको देख रहा है और समझ नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है। अब विंग फिर सबर नहीं होता और गुस्से में सबके सामने आता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है, आप लोग मुझे भूल गए क्या, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा जो 5 साल बाद आया, वो जिसे रोज मदर आप फोन कर करके आ जा घर आ जा कहते रहते थे, आज मैं घर आया हूँ और आप मुझे इग्नोर कर रहे हो।
इस बात पे मैडम साइड से विंग को देखती है, अब बिल्कुल इग्नोर करते हुए एकदम से जनचैन को बोलती है, जाओ वो स्पेशल वाली टी लाओ जो हमने आज स्पेशली वांगजी के लिए प्रिपेयर करी है, जाओ जाओ। जनचैन भी अपनी मदर के ऑर्डर पे तुरंत भाग के किचन में चला जाता है। वही विंग देख रहा है उन लोगों के बाद अभी अपने फादर के पास आता है और बोलता है, फादर ये क्या हो गया मदर को, ग्रैंड मदर को, ये सब लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई है, आप लोग मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो और मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। इस बात पे अब बाउशा सरन विंग की तरफ देखती है और बोलती है, इसलिए क्योंकि तुम शहर में जाके हम लोगों को भूल गए हो, हमारी फैमिली को भूल गए हो, तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन तुमने ले लिया और हम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया। क्या हम इतने छोटे हो गए, हम गाँव के इतने गरीब इंसान हो गए कि बड़े शहर के उन बड़े लोगों के बीच में तुम्हें अपनी इंगेजमेंट के टाइम पे अपने घर वालों की याद भी नहीं आई। कहीं ना कहीं बाउसेशन थोड़ा इमोशनल होते हुए विंग की तरफ देख के बोल रहे हैं। वहीं विंग महसूस करता है कि उसके घर वाले उस पर चीख रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, इस वजह से नहीं क्योंकि वो गे है, बल्कि इस वजह से क्योंकि विंग ने किसी को पसंद किया और उसे उन्हें नहीं बताया। विंग ने अपनी एंगेजमेंट कर ली और जहाँ पे उसकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो पाई, ये फैमिली का गुस्सा इस वजह से है। ये सोच के विंग अपनी फैमिली को प्यार करे या गुस्सा करे उसे समझ नहीं आता, कितने प्यारे हैं ना ये लोग। ये विंग पे बिल्कुल नाराज नहीं हुए कि विंग ने किसी लड़का होकर लड़के को उसको पसंद किया बल्कि उसके प्यार को एक्सेप्ट किया, बस गुस्सा इस वजह से हो रहा है कि विंग ने इतना बड़ा डिसीजन में उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया। कहीं ना कहीं विंग की फैमिली इतने प्यार से विंग को के पसंद को एक्सेप्ट कर सकती थी, ये चीज़ विंग ने और यहाँ तक कि वांगजी ने भी सोचा नहीं था। वांगजी भी अब जिन लोगों की साइड देख रहे हैं, अब तुरंत मैडम यू अपनी जगह से खड़ी होती है और विंग का कस के कान पकड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ग्रैंड मदर कितना परेशान हुई, वो रात में कितना अपसेट हुई थी, हमने कितनी सब कुछ सोचा हुआ था तुम्हारी इंगेजमेंट के लिए, तुम्हें अच्छे से पता है जिस दिन से यानली की शादी हुई है उस दिन से हम लोग तुम्हारी शादी के लिए कितने एक्साइटेड थे, लेकिन तुमने इंगेजमेंट भी कर ली और हमें वहाँ पर बुलाया नहीं, क्या वहाँ लोग इतने बड़े लोग थे कि तुम्हें शर्म आ रही थी अपनी गरीब फैमिली को वहाँ इन्वॉल्व करने में। कहीं ना कहीं विंग की फैमिली जब ये बात बोलती है तो वांगजी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, उसने कौन सी सच्ची में एंगेजमेंट करी है, ये तो वांगजी था। इसलिए वांगजी तुरंत विंग के सपोर्ट में आ जाता है और सबके बीच में खुद खड़े होकर सबके सामने सर झुका के माफ़ी मांगने लगता है। अब बोलता है, इसमें विंग की गलती नहीं है बल्कि ये एक सरप्राइज प्रपोजल था जो विंग को वांगजी ने किया, विंग खुद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। जब वांगजी सबके बीच में ये बात बोलते हैं तो चांसेस मतलब बाउसा सरन और एकदम से मैडम यू विंग की साइड अब थोड़ा सॉफ्टली देखने लगते हैं। वहीं विंग भी अब सबके साथ हमने वांगजी के साइड में खड़े होकर सॉरी मांगने लगता है और यही बात पे अग्री करता है। वहीं शूशे जब ये देखता है कि किस तरीके से की रिकॉर्डिंग करके तुरंत लानकुरैन को भेज देता है, लानकुरैन उधर ये देख के काफ़ी खुश हो रहे हैं कि वांगजी अपने लॉस से किस तरीके से चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वांगजी सचमुच में क्या विंग की फैमिली के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, पर क्यों, उन्हें तो बल्कि और बुरा बनना चाहिए, एटीट्यूड दिखाना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए था कि क्या हो गया अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन वो लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों क्यों विंग और वांगजी शायद जो सोच रहे हैं वैसा रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग कुछ और कह रहा है और वो हरकतें कुछ और कर रहे हैं, वो दोनों आप यही सोच ही रहे थे कि तुरंत जानचैन अब थोड़ा सा माहौल ठंडा करते हुए बोलता है, ओहो मदर आप कब तक से नाराज़ होगी, ब्रदर की आदत के बारे में आप जानते हो, आप थोड़ा सा भी परेशान होते हो तो वो परेशान हो जाते हैं, आप उन लोगों को माफ़ करो और जल्दी से वो टेस्टी सा डिनर लगाओ जिसका हम सब वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब टॉपिक चेंज करके डिनर पे आ जाता है, सब लोग एक साथ बैठते हैं। वांगजी ये देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, कहाँ वांगजी के उस बड़े से मेंशन में एक बड़े से डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे खाने लगते हैं और सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ के आराम से खाते हैं, लेकिन यहाँ माहौल कुछ और है, यहाँ खाना कोई बड़े से डाइनिंग टेबल पे नहीं बल्कि जिस जगह जहाँ गेस्ट को अभी एंटर किया था सोफे के सामने वाली टेबल पे अभी खाना लगा हुआ था, मतलब थोड़ा सा स्नैक्स लगे हुए थे, अब उसी जगह उस टेबल को हटा के नीचे बड़ी सी चटाइयाँ बिछाई जाती हैं और बीचों बीच एक बड़ा सा पॉट ला के रख दिया जाता है जो राइस का पॉट है और उसके बाद बाकी सारी साइड डिश भी बड़े बड़े पॉट में वहीं लगा दी जाती है। सब लोग अब सर्कल बना के वहीं बैठ के आराम से अपने अपने छोटे छोटे बॉल में राइस भर के सरन और मैडम यू फिल करके देती है, यहाँ कोई पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं बल्कि खूब हंसी ठड़ाके चल रहे हैं। एक छोटे से बाउल में राइस भर के मैडम यू वांगजी को भी देती है और साथ में अपने ही हाथों से उस चॉपस्टिक से उठा उठा के उसे मीट के पीसेस और एक तरीके से साइड डिशेस दे रही हैं जिसे वांगजी बड़े प्यार से खा रहा है। ये फैमिली का माहौल वांगजी को बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ है
या ये कह दे फील हो पाया है। वहीं शूशे भी इस फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहा है, वो भी ये चीज़ देखकर काफ़ी खुश है। यहाँ पे उस पुराने ज़माने वाली तरह लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, जैसे अब सबने जंजा की टांग खींचनी शुरू कर दी है। वहीं साथ में कौन खा रहा है, कौन किसकी प्लेट से कुछ उठा के खा रहा है, कुछ रियलाइज़ नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हाइजीनिक में वो है, कोई दूसरे की प्लेट से कैसे उठा के खा सकता है, वो तो झूठा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब लोग एक ही साथ एक ही जैसे खा रहे हैं, जिसे देख के वांग जी भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। विंग की फैमिली पूरी डाउन टू अर्थ है, एक टिपिकल गांव की छोटी सा परिवार है, जिन्हें ये शोशेबाजी करनी नहीं आती कि गेस्ट हैं तो अलग से स्पेशल टेबल लगाओ, अलग से महंगे वाले बर्तन निकाल के लगाओ। नहीं, उनके लिए ये फैमिली है जो उनके घर आए, उनके फैमिली मेंबर है, तो उनके साथ वैसे ही वो बिहेव कर रहे हैं। वही पुराने से बर्तन है, वही पुराने से बड़े बड़े से बाउल है, यानी जिन पे खाना कुक हुआ है वही बर्तन ला के रख दिए गए हैं, कोई शोशेबाजी नहीं है। इतना अपनापन देख के वी ये के इस घर को देख के वांग जी को बहुत वार्मनेस फील होती है। थोड़ी देर में इनके सोने के ऊपर अब एक बड़ा सा डिस्कशन होने लगता है, क्या सोने के लिए जगह ढूंढना भी इतना बड़ा टास्क है। जहाँ एक तरफ पाउशा सरन बार बार अरे नहीं तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं जाके बाहर सो जाऊँगी, वहीं यही चीज़ जैन फैमिया कह रहे हैं, नहीं मदर और मतलब पाउशा सरन को मदर आप और यू अंदर सो जाइए, मैं बाहर डाइनिंग रूम में सो जाऊँगा, क्योंकि इनके ऊपर के घर में के फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा टूट गया है, वो पूरे फ्लोर पे कोई सो नहीं सकता है, इसलिए एक सिर्फ नीचे का ही फ्लोर है जहाँ सिर्फ दो रूम है जिनमें अब इन सबको सोना है। इसलिए सिर्फ सोने की सेटिंग करने में या ये बने जगह बनाने में इन लोगों को पूरा स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनल लास्ट में ये होता है कि जैन फैमिया बाहर सोफे पे सोएंगे, मैडम यू औषध सन एक रूम में सोएंगे, और ये चारों यानी विंग जंजा लांगवांग जी और शुशे एक रूम में सोएंगे। जब वांग जी उस रूम में घुसता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, इस रूम में तो कोई बेड ही नहीं तो लोग सोएंगे कैसे। तब थोड़ी देर में कबर्ड से बड़े बड़े गद्दे फ्लोर पे लगा दिए जाते हैं। हाँ यहाँ पे कोई बड़े बड़े बेड नहीं है, बल्कि लोग फ्लोर पे सोना पसंद करते हैं। कारण है इसे जगह भी बच जाती है, क्योंकि बेड एक बार रखा जाएगा तो उस जगह को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन गद्दों को जब रूम से हटा दिया जाता है तो पूरा रूम एम्प्टी हो जाता है, जिसमें आप कुछ भी तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसी रूम में जब सब लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे थे तो एक सोफ़ा और टेबल आ गए थे, और अब वो सोफ़ा और टेबल दोबारा से बाहर अपने डाइनिंग एरिया में पहुँच चुके हैं। कहीं ना कहीं वांग जी के घर में इस तरीके से चीज़ें देख के वांग जी बहुत हैरान हो रहा है। शूशे के लिए नॉर्मल है क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन वांग जी को शॉक लगता है जब वो यहाँ कोई रूम नहीं देखता। शूशे दो मिनट में जंजा के साथ मिलके सारे बेड की सेटिंग करने लगता है। सब लोग आराम से लेटे हुए हैं, एक कोने पे शूशे है, दूसरे कोने पे लांगवांग जी है, और बीच में विंग और जंचा है जो आराम से सो रहे हैं। ये बेचारे रात के 2 बजे तक जब सो नहीं पाते तो गुस्से में तीनों खड़े होकर घूर घूर के शूशे को देख रहे हैं, जो कोने में इतनी जोर जोर से खराटे ले रहा है कि इन तीनों की आंखें खुल जाती है। ये तीनों इतना गुस्सा हो जाता है शूशे के ऊपर कि ये उसे उठा के सीधा घर से बाहर उस बाहर वाली लकड़ी के दीवार पे फेंक के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शूशे की खराटों की आवाज़ इतनी तेज है कि घर में शायद बाकी लोग भी सो ना पा रहे हो। वहीं शूशे नींद में इतना भरा हुआ था उसे पता ही कि कब जंजा और विंग ने उसे उठा के बाहर ला के पटक दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब जाके कहीं ना कहीं इस घर में थोड़ी शांति हुई है, जिसे अब वांग जी जो थोड़ी देर पहले ये सोच के कि वो कैसे फ्लोर पे सोएगा वो चीज भूल के अब आराम से फ्लोर पे सो रहा है। वांग जी की जब मॉर्निंग में आँख खुलती है तो उसके आंखों के आगे जो नज़ारा है उसे देख के वो पूरी तरह से शॉक है। विंग और वांग जी नीचे फ्लोर पे सो रहे थे, इसलिए इस समय वांग जी और विंग बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है। विंग का फेस बहुत ज़्यादा वांग जी के क्लोज है, इन दोनों की नोज भी ऑलमोस्ट टच हो रही है और लिप्स बस थोड़ी सी दूरी पे है। वांग जी अपने और विंग को इतने क्लोज पोजीशन में देखकर थोड़ा शॉक होता है, और उसकी हार्ट बीट हे भगवान वो तो जैसे किसी रेल गाड़ी की तरह दौड़ रही है, इतनी तेज जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी और उसकी हार्ट बीट ये उसके साथ क्या कर रही है। कहीं ना कहीं वांग जी चाहता है विंग थोड़ा सा और मूव करे और थोड़ा सा आगे हो जाए, ताकि वो विंग के इस ब्यूटीफुल से फेस को टच कर सके, ताकि वो विंग के इस प्यारे से पॉउटी लिप्स को फील कर सके, टेस्ट कर सके। कहीं ना कहीं वांग जी के दिमाग में विंग को लेके ये थॉट जैसे ही आता है तो वांग जी शॉक होके बहुत जोर से विंग को धक्का देके सीधा बैठ जाता है। वहीं विंग जो नींद में था वो इतनी जोर के धक्के से समझ नहीं पाता है और आगे जाके धड़ाम करके जंचा से टकरा जाता है, जिससे जंचा और विंग की दोनों की आँख खुल जाती है। दोनों अब एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि वांग जी पूरे शॉकिंग एक्सप्रेशन से जैसे उसने कोई भूत देख लिया ऐसे बैठा हुआ है। वहीं वो दोनों इसे ऐसे बैठा देख कर पहले
सोचते हैं किसे पूछे, पर फिर सोचते हैं अरे नींद पे कौन ध्यान रखते हैं, और दोबारा सो जाते हैं। भाई वांग जी आप शॉकिंगली वहाँ से उठते हैं और बाहर जाते हैं तो देखते हैं ये ऐसे पूरा का पूरा गाँव जग चुका है, चिड़िया जग चुकी है, मैडम यू और चबावसा शरण आराम से घर के काम कर रही हैं। वही जैन फैमिया बाहर अपने मतलब एक तरीके से बोट पे जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी जाल निकाल रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से मछुआरे हैं ना, फिशरमैन है ना, तो बेचारे वो अपने जाल को क्लीन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जाना है ले जाने के लिए, जो भी उन्हें मछली पकड़ने के लिए सामान चाहिए था उसे रेडी कर रहे हैं। वांगी जब सोचता है कि वो कुछ और नहीं कर सकता क्योंकि वो ना जैन फैमिया की ही हेल्प कर दे, वो उनकी हेल्प करने लगता है, जिससे जैन फैमिया उसे रोकते हैं कि अरे आप तो इतने बड़े हैं आप ये सब ना करें। जिसपे वांगी बड़े प्यार से बोलते हैं कि वो विंग का फ्यांसे है और आप उसके फादर हैं, विंग होता तो वो भी आपकी हेल्प करता। ये जब ये बात जैन फैमिया सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं वो वांगजी को अपने साथ बोट पे ले जाने की बात कहते हैं। वहीं वांगजी यही सोच के कि हाँ वो यहाँ रह के क्या करेगा, यहाँ पे रहेगा तो उसे शूशे और विंग के साथ ज़्यादा कोई काम भी नहीं होगा, वो इतना विंग उठेगा उससे पहले क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिशरमैन जाते हैं मछलियाँ पकड़ने, ताकि वो मार्केट जब स्टार्ट हो तो तब तक कुछ फिशेज बेच सकें, इसलिए जल्दी उनके साथ जाने की सोचता है। और वहीं वांगजी को आदत है जल्दी उठने की, इसलिए वो बेचारा उनके साथ चला जाता है। जब वो वहाँ जाके देखता है तो देखता है कि एक मोटा सा आदमी जो शायद सारी जितनी भी बोट्स है उनका एक लौता मालिक है, और वो इन लोगों से वो बोट यूज़ करने के बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट लेता है। वहीं वांगजी को रियलाइज़ होता है कि अभी तो दिन शुरू नहीं हुआ और पहले ही इतना बड़ा अमाउंट दे दिया, क्या इतने फिशेस वो ले पाएंगे। कहीं ना कहीं वांगजी कुछ घंटे में समझ पाए कि यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं कर रहे हैं जैन फैमिया, क्योंकि उन्होंने बोट रेंट करने का ही इतना हाई अमाउंट दे दिया, ऊपर से फिशेस जो उन्होंने ली हैं वो उनसे वो रेंट निकालने के बाद कुछ ही अमाउंट उन्हें मिलता होगा। इसलिए बेचारा वांगजी अपनी क्यूरियोसिटी के चलते जैन फैमिया से पूछ ही लेता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या वो खुद की बोट नहीं ले सकते। इस बात पे अब जैन फैमिया थोड़ा इमोशनल होते हुए वांगजी को जब वो फिशेस पकड़ रहे हैं तो यही देखते हुए बोलते हैं, शायद तुम्हें विंग ने हमारी फैमिली के हालात के बारे में नहीं बताया, विंग मेरा रियल बेटा नहीं है। ये बात सुन के वांगजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि कल से जब से वो यहाँ आया है उसे तो कभी नहीं लगा या रियलाइज़ हुआ कि विंग की इन मतलब जैन फैमिया और मैडम रियू का रियल बेटा नहीं है, उसे तो यही लगा कि वो उन दोनों का रियल बेटा है। इसलिए वो थोड़ा क्वेश्चनी लुक से मतलब जैन फैमिया की तरफ देख रहा है। अब जैन फैमिया विंग की स्टोरी बताते हैं कि विंग उनके मतलब एक तरह से स्टेप ब्रदर का बेटा है, उनकी मदर रियल मदर पाउशा सरन नहीं बल्कि पाउशा सरन उसकी उनकी स्टेप मदर है, और उनका बेटा यानी वी चांस जो था वो बहुत बड़ा गैम्बलर था, उसने गैम्बलिंग में उनकी सारी प्रॉपर्टी यानी उनके लैंड और उनकी बोट भी गैम्बलिंग में लगा दी थी, जिसकी वजह से वो सब कुछ गंवा चुके थे। उनकी वाइफ उनके मतलब वी चांस है कि गैम्बलिंग से इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया बिना विंग के बारे में सोचे, और तब से बचांसा सर और विंग उन्हीं के साथ हैं। बहुत टाइम से वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वो अपने लैंड और अपनी बोट को फ्री करवा सके, लेकिन उन जब गैम्बलिंग करी थी तो उस समय पैसे जो लिए थे वो इसी मोटे आदमी से या जिसे कहते हैं ठेकेदार से लिए थे, और जिसने अमाउंट से ज़्यादा तो उसका इंटरेस्ट लगा दिया था, यानी 100 रुपये की चीज़ के ऊपर कम से कम 10,000 का इंटरेस्ट, और वो भी सिर्फ इंटरेस्ट यानी अमाउंट तक तो आप पहुँच ही नहीं सकते हो, कब तक पहुँचोगे, इतना हैवी इंटरेस्ट जो हर महीने उन्हें देना पड़ता है। उस चक्कर में आज तक कभी भी मतलब जैन फैमिया अपना पुराना लैंड और वो बोट वापस नहीं ला पाए, जहाँ विंग के फादर ने इतना गलत किया था वह मतलब एक तरह जैन फैमिया के साथ, उसके बावजूद जैन फैमिया और उनकी वाइफ ने मतलब मैडम यू ने विंग को अपना बेटा माना हुआ है और इतना प्यार करते हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं वांगजी उनकी तारीफ करते हैं, जिसमें जैन फैमिया स्माइल करते हुए बोलते हैं कि तारीफ मेरी नहीं बल्कि विंग की करनी चाहिए, वो उनका रियल सन नहीं है, उसके बावजूद वो अपनी सारी इनकम उन लोगों को दे देता है। वांगजी की तरफ देखते हुए जैन फैमिया बोलते हैं कि तुम समझ चुके होंगे मेरी अर्निंग कितनी कम है, अगर मैं अपनी अर्निंग पे आऊँ तो शायद मैं अपनी फैमिली को खाना भी ना दे सकूँ, लेकिन वो विंग है जो हर महीने इस लोन का इंटरेस्ट भी देता है, अपनी एजुकेशन का लोन का भी इंटरेस्ट देता था, और साथ में उसने अपनी बहन की भी शादी करी और अपने भाई की पढ़ाई भी करी, हर महीने वो अपनी सारी सैलरी का कुछ ही % अपने पास रखता है और सारे पैसे यहाँ पे भेज देता है अपनी फैमिली के लिए,
जब वीन की लाइफ के बारे में मतलब एक तरीके से वांगजी ये सच जानता है तो उसे रियलाइज होता है, हाँ सचमुच में वीन कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता ओवर टाइम करने का। कहीं ना कहीं वांगजी पहले सोचता था कि शायद वीन को काम से बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि वीन को काम से ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। ओवर टाइम में एक्स्ट्रा 4 पैसे मिलते हैं, शायद इसी वजह से वीन हर बार ओवर टाइम करता था। आज वीन की लाइफ की इतने बड़े सच को जानने के बाद कहीं ना कहीं जमीन के लिए वांगजी की नज़रों में रिस्पेक्ट बढ़ गई है, क्योंकि उसके पास तो जो भी है सब कुछ है, उसके फादर ने और उसके अंकल का बनाया हुआ है, उसके ग्रैंडफादर का दिया हुआ है, लेकिन वीन के पास जो भी है वो उसकी खुद की मेहनत का है। हाँ वांगजी ने भी बहुत मेहनत की इन सबको मेंटेन करने के लिए, लेकिन विंग की मेहनत के आगे अब वांगजी को अपनी मेहनत कुछ नहीं लग रही। कहीं ना कहीं विंग के लिए वांगजी की नज़रों में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं अभी भी विंग अपनी ग्रैंड मदर के साथ बाहर कुछ पुराने गद्दे सुखा रहा है, ऑब्वियसली चीज़ों की घर की सफाई कर रहा है। वहीं वो अब जब सब उसके फादर आ जाते हैं तो खुशी और एक्साइटमेंट में अपने फादर का हाथ पकड़ के उन्हें घर में लेके जा रहा है। वांगजी को अगर शायद जैनफेमिया खुद ना बताते तो वो कभी जान भी ना पाता या महसूस भी नहीं कर पाता कि विंग इनका रियल सन नहीं है। जिस तरीके से जैनफेमिया और मैडम यू विंग पे अपना हक जमाते हैं और जिस तरह से विंग से वो प्यार करते हैं, ये देखकर कोई भी कह सकता है कि ये लोग एक फैमिली हैं। विंग जल्दी से अब सब लोग जब घर में आ जाते हैं एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो खुशी और एक्साइटमेंट से अपने बड़े बड़े बैग लेके उन लोगों के सामने खोल के बैठ जाता है जिनमें वो बार बार के अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट लाया था। वांगजी को रियलाइज़ होता है इन सब गिफ्ट को विंग ने कितने प्यार से और कितना सोच समझ के लिया है। अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक छोटी सी मसाजर मशीन जिसे उनके कंधे घुटनों के दर्द को दूर किया जा सके। अपनी मदर के लिए नई नई से बहुत सारे कपड़े, क्योंकि उसे पता है उसकी मदर जल्दी से अपने लिए कपड़े नहीं लेती। अपने फादर के लिए बहुत सारे कपड़े, उनके फिशिंग करने के लिए बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट, अपने भाई के लिए काफ़ी सारी नई बुक, कॉलेज जाने के लिए सामान, बैग्स और एक नया फ़ोन, इतनी सारी चीज़ें विंग लाया है। कहीं ना कहीं विंग सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करता है, उसने अपनी सारी सैलरी शायद अपनी फैमिली के लिए लगा देता है। ये देख के विंग कितना सेल्फलेस है, ये देख के वांगजी को रियलाइज़ होता है कि विंग उस कितना अच्छा है। विंग के लिए उसके मन में ये प्यार जो भरना है ये उसकी ब्यूटी या अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक प्योर जेन्युइन फीलिंग है जो विंग के असलियत जान के विंग को जान के उसके दिल में आई है। कहीं ना कहीं विंग के लिए उसकी ये बढ़ती हुई अट्रैक्शन को वो समझ रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ काफ़ी टाइम से वो विंग की तरफ अट्रैक्टेड तो था लेकिन ये प्यार था उसे आज रियलाइज़ हो रहा है। वहीं भी खुशी और एक्साइटमेंट में अब सब कुछ देने के बाद अपने फादर के पास आता है और अब उनके हाथ में एक कार्ड रख देते हैं जिससे जैनफेमिया बड़ी बड़ी आंखों से विंग की साइड देख रहे हैं। अब विंग स्माइल करता हुआ बोलता है ये मेरी काफ़ी टाइम की सेविंग है जो मैंने जोड़ी थी घर की रेनोवेशन के लिए। अब आप अच्छे से पूरे घर को रेनोवेट करवाइए, ऊपर के फ्लोर को भी ठीक करवाइए क्योंकि अब दो कमरों में सबका रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और ऐसे भी कुछ टाइम में मतलब उसकी सीजे और अपने हस्बैंड और बेबी के साथ यहाँ आएंगी तो वो लोग कहाँ रुकेंगे। यही किसका कहे विंग अपने पेरेंट्स को बना के वो कार्ड दे देता है। इन लोगों में फॉर्मेलिटी नहीं है तो मैं जैनफेमिया और मैडम यू भी वो कार्ड बड़े प्यार से ले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है ज़रूरत तो है घर में और ये घर में ही चीज़ें लग रही हैं इसलिए वो भी ले लेते हैं। वांगजी ये विंग ऐसे करता देखे खुशी हो रहा था जब उसे बाहर कुछ आवाज़ें आती है। ये कोई और नहीं बल्कि गांव के बहुत सारे लोग हैं जो अभी उन लोगों को बाहर बुला रहे हैं यानी यंग्स फैमिली को। जब सब लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं मतलब एक तरीके से इनके इस छोटे से विलेज का मुखिया कुछ लोगों के साथ वहाँ आया है। जब मैं वो लोग वहाँ आए थे तो आप बहुत गुस्से में आए थे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यंग्स फैमिली को पसंद नहीं करते और ये लोग ही यहाँ पे आए थे। ये लोग यहाँ पे आके इस चीज़ को अगेंस्ट जा रहे हैं कि विंग यहाँ के बच्चों के दिमाग बदल रहे हैं, वो लड़का होके किसी लड़के को पसंद कर रहा है इससे उनके बच्चे गलत इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, गलत चीज़ सीखेंगे, इससे विंग को यहाँ गाँव में नहीं आना चाहिए था और विंग का गाँव में आना बैन कर देना चाहिए, जिससे विंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो उसका गाँव बहुत स्पेशल है, ये लोग बहुत स्पेशल है, उसकी फैमिली बहुत स्पेशल है तो वो कैसे इनसे दूर रह सकते हैं। वहीं वांगजी देख रहा है कि उसके एक इस तरीके से सबके बीच में ओपनली इंगेजमेंट डिक्लेयर करने की वजह से सचमुच में किसी की लाइफ पे फर्क पड़ा है तो विंग की लाइफ पे फर्क पड़ा है। उसके गाँव वाले जिस तरह से विंग को और उसको ट्रीट कर रहे हैं वो देख के वांगजी को अब मन में थोड़ा गिल्टी महसूस होता है। इससे पहले वांगजी कुछ बोल पाता तुरंत पीछे से एक स्ट्रांग वॉइस इन लोगों को डांट लगाते हुए अब बाहर आता है। ये कोई और नहीं पहले की तरह बावशा सरन है और वो गुस्सा करते बोलते तुम लोग होते कौन हो मेरे बेटे मेरे ग्रैंडसन की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। मेरे ग्रैंडसन ने कोई गलती नहीं की है, उसने प्यार किया और प्यार कभी गलत नहीं होता है।
चाहे वो किसी का किसी के लिए भी हो। और पहली बार उसने किसी को यहाँ कुछ सिखाया नहीं, वो यहाँ से दूर रहता है और अपनी लाइफ बिता रहा है, तो तुम लोगों की लाइफ में इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बच्चे क्या करते घूम रहे हैं मुझे भी अच्छे से पता है, और मैं तुम सबकी इससे पहले पोल खोलूं यहाँ से भाग जाओ। कहीं ना कहीं बाउशर सर से सब लोग डरते हैं। बाउशर सर जब अपनी गुस्से में आती है और लोगों का सच सामने लाने लगती है तो अच्छे अच्छे इंसान उनके सामने रुक नहीं पाते, उनके बच्चों की तुम पहले पोल पट्टी खुले, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एकदम से आप वांग जी उन्हें रोकता है, जिसे सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे हैं। विंग भी शॉक है। अब वांग जी सबके सामने सबसे सॉरी बोलता है और कहता है कि विंग और उसके बारे में वो इस तरीके से सब लोगों के आगे अनाउंस कर रहा है जिसके कारण आप लोग हर्ट हुए, उसके लिए वो सॉरी है। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके और विंग के कारण आप लोग हर्ट हुए तो वो उन सबसे सॉरी मांगता है, और अगर वो लोग कुछ पनिशमेंट देना चाहें तो वो वांग जी को दे सकते हैं, क्योंकि विंग की फैमिली और विंग की इसमें कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं वांग जी इतनी बड़ी बात बोल रहा है, ये देख के विंग भी शॉक है। विंग को वांग जी का इस तरीके से उसकी फैमिली के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छा लगता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी आगे आके खुद गलती ले लेगा और सबसे सॉरी मांगने लगेगा। ये देखकर वो मुखिया वांग जी से बहुत इंप्रेस हो जाता है। उनमें से कुछ लोग जो सिर्फ हवा होता है ना, गुब्बारे की तरह फुला दो, कोई चढ़ा दे तो दौड़े हुए चले जाओ लोगों को सुनाने, उस टाइप के लोग भी अपने अंदर थोड़ा गिल्टी महसूस करते हैं। एक दो लोग जो जियांग्स फैमिली और विंग से जेलस करते थे वो तो कुछ नहीं बोलते, बट वो लोग मतलब वो लोग तो थोड़ा बहुत बोलते भी हैं, पर बाकी सब लोग अब थोड़ा चुप खड़े हैं। जब एकदम से मुखिया बोलता है तो ठीक है, जब तक तुम यहाँ हो विंग की तरह हम सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, हम लोगों के साथ आओ और हम लोगों के भी मदद करो कम्युनिटी का, मतलब हॉल कम्युनिटी का जो काम होता है उस समय, ताकि सब लोग तुमसे तुम्हें जान भी पाए और तुम भी हम सबको जान पाओ। कहीं ना कहीं इस आइडिया से मैडम यू और जान फैमिया भी खुश होते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनके सन इन लॉ के बारे में सब लोग जाने। वहीं वांग जी आप उसकी मतलब एक तरह से विंग के गांव में कैसे रुक के काम करेगा, ये देख के शूशेर थोड़ा शौक होता है, पर विंग बहुत ज़्यादा मन में खुश होते हैं कि वांग जी आप जो इतना बड़ा इतना रिच आदमी है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, हाईफाई मॉल्स में और एक तरीके से बड़े बड़े शोरूम्स में उस वो सिर्फ शॉपिंग करने जाते हैं, वो उसके इस गांव के छोटे से मार्केट में कैसे हेल्प करेगा। लेकिन वो भी देखना चाहते हैं कि सचमुच मिस्टर लांग वांग जी ऐसा कर पाएंगे, पर शौक तो उसे तब लगता है जब सचमुच में वांग जी जैन फैमिया के साथ वहाँ मार्केट में पहुँच जाता है। वो लोगों की मदद कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्टन उठा उठा के इधर से उधर रख रहा है, जैसा जो लोग कह रहे हैं वैसा कर रहा है, स्माइल करता हुआ किसी का पानी का ड्रम भर रहा है, कहीं किसी की हेल्प कर रहे हैं। इस बदबूदार एक तरह फिश मार्केट में वांग जी इतने स्माइल करते हुए आराम से सारा काम कर रहा है, ये देख के विंग को वांग जी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। हाँ, विंग को वांग जी हमेशा इंप्रेसिव लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता है, इतना हैंडसम है, इतना अट्रैक्टिव ऑरा है उसका, लेकिन वो इतना डाउन टू अर्थ भी हो सकता है, ऐसे काम कर सकता है। ये देख के विंक वांग जी पे बहुत प्यार है। वो दोनों मिलके अब एक साथ काम कर रहे हैं, और बेचारा शूशे वो तो नाक बंद करके बस उन लोगों को फॉलो कर रहा है, उसे तो यहाँ बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, और उसे जनचारे सबसे गंदा काम दे रहे हैं, यानी फिशेस को क्लीन करना, यानी उनके उन्हें क्लीन करने का मतलब ये होता है कि उनके अंदर से उनकी पॉटी वाली वेन्स निकालना और ऐसे वाले काम करना जो थोड़ा बदबूदार और थोड़ा गंदा काम होता है, जो अब शूशे को मिल गया। वहीं शूशे मुंह सड़ा के ये काम कर रहा है, क्योंकि उसे भी करना पड़ेगा जब सब लोग यही काम कर रहे हैं, काम कर मदद कर रहे हैं लोगों की, ये लोग यहाँ ऐसे हंस के मुस्कुरा के काम कर रहे हैं, जिसे देख के कहीं ना कहीं जैन फैमिया भी खुश हो रहे हैं। वांग जी और विंग को पता ही नहीं चलता कि कैसे 5 दिन बीत जाते हैं, यहाँ ये लोग कुछ टाइम के लिए ही आए थे, वैसे विंग तो यहाँ 15 दिन के लिए आया था, लेकिन वांग जी इतना टाइम नहीं रुक सकता, इसलिए वो यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। वहीं शूशे ने लगातार जैन फैमिया और मैडम यू के साथ जिस तरह वांग जी हमेशा अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है, उसका आपकी खबर मतलब एक तरह से अंकल कुरैन को दे दी, तो अंकल कुरैन भी खुश है, वो वांग जी के जल्दी वापस आने से कुछ नहीं करें। वहीं विंग को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है, वांग जी का इस तरीके से यहाँ से जाना वो चाहता है वांग जी यहीं रुके उसके पास, पर क्यों का एक टाइम था जब वो हमेशा सोचता था कि वो वांग जी से दूर भाग जाए, वांग जी के साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़े, पर आज ऐसा क्यों हो गया, इन 5 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो यही सोच रहा था जब प्यार से मैडम यू उसके पास आती है और बोलती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारा फियांसे तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। मदर, मैं आप लोगों के पास इतने टाइम बाद आया हूँ,
तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं यहीं रहूँगा आपके पास। पर तिहार रहोगे ऐसे मुंह सड़ा के, अपने फियांसे को याद करते रहोगे, उससे अच्छा है कि तुम वहीं चले जाओ। मुझे तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल ऐसे नहीं देखनी, वो भी डेली जिस बात पे। अब मैं थोड़ा मुंह फुलाते हुए पाउड फेस में, मदर अब मुझे प्यार नहीं करते हो क्या? अब सिर्फ उस लांग वांग जी की मदर बन गए हो क्या? आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो जाने के लिए? क्योंकि मैं तुम्हें सचमुच में बहुत प्यार करती हूँ और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम यहाँ से ज़्यादा वांग जी के पास रहना चाहती हो। मदर की इस बात के बाद बीइंग थोड़ा ब्लश करने लगता है, उसे समझ नहीं आता है वो क्या बोले। वहीं दूसरी तरफ उसे जेंचा आके इन्फॉर्म करता है कि सारे गांव के लोग विंग और वांग जी के जाने की एक फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं। यहाँ से जाने से पहले वो विंग और वांग जी के लिए स्पेशल पार्टी कर रहे हैं जिसमें उन सब उन लोगों ने कुछ तैयारियां की हुई हैं, जिसपे विंग और वांग जी खुशी से वहाँ जाते हैं उन लोगों से मिलने। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की सेटिंग और डेकोरेशन देख के शॉक हो जाते हैं। ये गाँव में बड़े बड़े रेड रंग के रिबन से डेकोरेशन हुई हुई है, एक पोडियम बनाया गया है जिसे देखकर विंग और वांग जी थोड़ा शौक है। तभी पोडियम पे स्टेज पे आके बाउशा सेन सबके सामने अनाउंस करती हैं कि वो एक विंग और वांग जी की इंगेजमेंट यहाँ पे इन सबके बीच में करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से ये उन लोगों की फैमिली है, यहाँ सब लोग एक दूसरे की फैमिली है और इनके बीच में वो विंग की इंगेजमेंट दोबारा करना चाहती है। वहीं विंग और वांग जी थोड़ा शौक होते हैं। तभी बाउशा सेन बड़े प्यार से वांग जी और विंग का हाथ पकड़ के स्टेज पे लाती है और सबके बीच में वांग जी से बोलती हैं कि होता होगा शहरों में कि इंगेजमेंट में सिर्फ आपने एक पर्सन को रिंग पहना देना, लेकिन उनके गांव के रिचुअल के हिसाब से रिंग दोनों लोग एक्सचेंज करते हैं तभी इंगेजमेंट होती है। वांग जी ऑलरेडी विंग को रिंग पहना चुका है, लेकिन उसकी विंग वांग जी की के लिए विंग की साइड से अब तक कोई रिंग नहीं आई थी, इसलिए बाउशा सर अपने पास से एक ब्यूटीफुल सा रिंग निकालती है जो उनके हस्बैंड की थी, यानी विंग के ग्रैंड फादर की। ये रिंग चाहे कि देखने में बहुत ज़्यादा रिच वाली तरह नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा गोल्ड का बैंड है, लेकिन फीलिंग्स में ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये रिंग विंग के ग्रैंड फादर की है जो बाउशा शरण वांग जी के लिए विंग को दे रही है। विंग इस रिंग को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे पता है उसकी ग्रैनी यानी उसकी ग्रैंड मदर ने इस रिंग को बहुत संभाल के रखा हुआ है। आज तक इस रिंग को वो कभी किसी को छूने भी नहीं देती, शायद इसी कारण ये सेफ है, वरना उसके गैम्बलर फादर तो कब तक इसका बेच देते। लेकिन वो रिंग सेफ है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर इस रिंग के लिए कितना ज़्यादा पजेसिव थी, किसी को भी इसे छूने भी नहीं देती थी। पर आज ये रिंग वो बड़े प्यार से रिंग को दे रही है ताकि वो अपने फियांसे को पहना सके। विंग इमोशनली आंखों से वांग जी के हाथ में वो रिंग पहना रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो ये नाटक करना चाहता है, क्योंकि सचमुच में कहीं ना कहीं वो दिल से वांग जी को अपना फियांसे बनाना चाहता है। उसके मन में वांग जी के लिए फीलिंग आ चुकी है, अब वो सचमुच में वांग जी को ये रिंग फीलिंग्स के साथ ही पहना रहा है। वहीं विंग की आंखों में इन इमोशंस को देख के वो वांग जी भी समझ चुका है कि ये रिंग शायद इस फैमिली के लिए बहुत स्पेशल थी, इसलिए वो भी बड़े प्यार से उस रिंग की सबके सामने तारीफ करता है। इन दोनों की बहुत प्यार से सब लोग इस सेरेमनी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब लोग गिफ्ट ला ला के रिंग और वांग जी को दे रहे हैं, जिसे स्माइल करते हुए वांग जी ले रहा है ये गिफ्ट। वो उसकी अब तक की लाइफ के बाकी सारे गिफ्ट की वैल्यू में तो कम है, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कुछ लोग बड़े प्यार से अपने हाथ का बना हुआ कुछ हाथ से मतलब डिज़ाइन किया हुआ स्वेटर लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग बड़े प्यार से वांग जी के लिए अपने खेत से फ्लावर तोड़ के ला रहे हैं। इन शॉर्ट इमोशंस के साथ जो चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं, जिन्हें वांग जी स्माइल करता हुआ ले रहे हैं। उसके बाद वांग जी अब विंग की फैमिली के पास आता है और बोलता है, मैं जानता हूँ आप लोगों के विलेज के रूल के हिसाब से ब्राइड की फैमिली को ग्रूम कुछ गिफ्ट देता है, विंग की फैमिली को मैं भी कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी के बाद शायद ये इंगेजमेंट कंप्लीट होगी। और ये बोलने के बाद विंग इशारे में शुशे को वहाँ से आने के लिए बोलता है। शुशे अब अपने हाथ में विंग की फैमिली के वो लैंड के कागज़ और वो बोर्ड के कागज़ ला के दे देता है, जिसे सब लोग शॉकिंगली वांग जी की साइड देख रहे हैं। अब वांग जी वो पेपर्स मतलब एक तरह से जैन फैमिया के हाथ में देता है और बोलता है, ये मेरी तरफ से मेरे फियांसे की फैमिली के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आई होप आप इसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। वहीं भी पीछे खड़ा हुआ इमोशनली वांग जी की साइड देख रहा है, क्या सचमुच में वांग जी ने उसका सारा कर्जा उतार दिया?
क्या वांगजी ने ये बोट और ये लैंड उस जैसे बेवकूफ मतलब खतरनाक इंसान से फ्री करवा दिया जिसके विंग को लगता था शायद कभी नहीं हो पाएगा। वहीं इमोशनली अब जैन फैमिया उन पेपर्स को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सचमुच में ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक टाइम उनकी फैमिली की ये लैंड और वो बोट उन्हें वापस मिल पाएगी। इतना ही नहीं शुशा से कह के वांगजी ने इस बोट को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया, ब्रांड न्यू बनवा दिया है, यानी उसमें एक 90% सब कुछ रिप्लेस हो गया। बस वो कोर वैल्यू जो इस बोट की थी यानी एक तरह से जैन फैमिया के फादर की खरीदी हुई वो बोट को अब एक नए टेक्निक के हिसाब से न्यू ब्रांड न्यू बोट्स जैसे होनी चाहिए वैसे एक तरह से रेनोवेट करवा दिया है। वहीं भी वांगजी की इस जेस्चर से बहुत इमोशनल हो जाता है। ये सब लोग अब खुशी से डांस कर रहे हैं, पुराने चाइनीज़ म्यूज़िक बज रहे हैं, आग के साइड राउंड में सब लोग मस्ती में डांस कर रहे हैं। कुछ फैंस के साथ लेडीज़ डांस कर रही है जिनका थोड़ी टाइम बाद वो लेडीज़ खींच के विंग और वांगजी को ले आते हैं। वांगजी को ये डांस करना नहीं आ रहा है पर विंग तो जैसे प्रो है वो बड़े प्यार से इन फैंस के साथ स्माइल करता हुआ डांस कर रहा है। वहीं विंग को ऐसे खुश होते हुए स्माइल करता हुआ इतना इन्जॉय करते हुए देख के वांगजी भी थोड़ा थोड़ा डांस कर रहा है जिसकी वीडियो अब लैन कुरैन के घर पर पहुंच गई है जिसे फ़ोन में घुस के तीनों बाकी लोग भी देख रहे हैं यानी हमारे शिचेन रैंचिंग और उनका बेटा जिंगी। जिंगी को तो भरोसा नहीं हो रहा कि उसके अंकल ऐसे मुस्कुरा के हंस के ऐसे डांस भी कर सकते हैं। जैसे कुरैन बहुत मुस्कुरा रहे हैं वांगजी को ऐसे खुश होता देख के। जहाँ वहीं दूसरी तरफ इस डांस के बाद में सब लोग मिल के विंग और वांगजी को एक स्पेशल रूम में बंद कर देते हैं जो यानी विंग और वांगजी के लिए स्पेशली आज डेकोरेट किया हुआ है। वहीं विंग और वांगजी इस रूम को देख के थोड़ा ऑकवर्ड हो रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम पक्का कुछ करो लेकिन इन दोनों को एम्बैरेसमेंट हो रही है ये सोच के कि बाहर वाले लोग क्या सोच रहे हैं। वहीं विंग और वांगजी जब पहले तो कोने में बैठे हुए थे वहीं विंग वांगजी को थैंक यू बोलता है, थैंक यू मेरी फैमिली के लिए इतना सोचने के लिए। वहीं वांगजी विंग को बड़े प्यार से देखते हुए बोलता है थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए मुझे यहाँ लाने के लिए, मैंने लाइफ में कभी भी ये फीलिंग्स पहले फील नहीं करी, ये फैमिली का अपनापन। तुम्हें पता है मैं शादी से क्यों छेड़ता था या शादी क्यों नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे मदर और फादर में ये प्यार नहीं था जो मैंने तुम्हारे मदर और फादर में देखा। तुम्हें पता है मेरे फादर ने मेरी मदर को फोर्सफुली शादी करी थी, फोर्स करके उन्होंने मेरी मदर से शादी की थी और लाइफ टाइम तक वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहे। उन दोनों के लिए एक दूसरे के साथ रहना एक हेल था जहाँ मेरे फादर मेरी मदर को अपनी जिद में छोड़ना नहीं चाहते थे और वहीं मेरी मदर मेरे फादर के साथ रहना नहीं चाहती थी। वो दोनों लाइफ टाइम तक सिर्फ लड़ते रहे और आखिरी में मर गए। उनकी शादी को देखकर मुझे शादी शब्द से ही नफरत हो गई थी लेकिन यहाँ आके मुझे सचमुच में फैमिली शादी रिलेशनशिप्स क्या होता है महसूस हुआ। मुझे महसूस हुआ कि कैसे तुम्हारी ग्रैंड मदर तुम्हारे फादर की वो अपने हस्बैंड के मरने के कई साल बाद तक उनकी वो लास्ट विश को उनकी वो लास्ट निशानी को इतना प्यार करती रही, कैसे तुम्हारी मदर यानी मैडम यू कभी भी अपने बच्चों को के पास रहने नहीं जाती क्योंकि वो पूरे टाइम जैन फैमिया सही से खाना नहीं खा पाएंगे उनके बिना कैसे रहेंगे यही सोचती रहती है। कहीं ना कहीं तुम मेरी लाइफ में वो चीज़ मुझे दिखा पाए जो शायद मैं देखना ही नहीं चाहता था। भी जब वांगजी की इस साइड को देखता है तो बड़े प्यार से वांगजी को हग कर लेता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस समय उसका मन करा कि वो वांगजी को थोड़ा कंफर्ट करे, वांगजी को थोड़ा सा महसूस करवाए कि वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे अपनी फैमिली की एक और हैप्पी कपल को भी तो देखना चाहिए था यानी ये आप उसके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ यानी वेंचिंग और शिचैन को, वो दोनों भी तो एक दूसरे के साथ हैप्पी रहते हैं और कितने साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। कहीं ना कहीं विंग की बातों से अब वांगजी बहुत कंफर्ट फील कर रहा है, उसे विंग की ये वार्मनेस बहुत अच्छी लग रही है, उसे विंग के साथ ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। वहीं थोड़ी देर में विंग और वांगजी अब एकदम से थोड़ा सा सर घूमता हुआ महसूस करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि शायद उन्हें गाँव की वो हार्ट डिंग अब सूट नहीं कर रही है। इन शॉर्ट अब वो दोनों थोड़ा नशे में हैं। वहीं वहीं अब नशे में वांगजी को बहुत प्यार से क्यूट से तुम रो मत लंजा, तुम रोते हुए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसा करा। वहीं वांगजी बच्चों की तरह थोड़ा रोते हुए बोला विंग मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, ये गाँव बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, ये डांस बहुत अच्छा है, ये वाइन बहुत अच्छी है। बेचारा वांगजी ऐसे करा। वहीं वहीं वांगजी को जो खुद नशे में ओ लंजा तो मैं एक काम करता हूँ मैं
तुम्हार को यही बांध देता हूँ। एक काम करते हैं, हम सबसे छुप के यहीं रहते हैं, तुम अपने अंकल को बोल दो कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है, और मैं बोलता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढने गया हूँ, और हम दोनों यहीं रहेंगे। विंग और वांगी बचपने की बेतुकी की बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब से आइडिया ले रहे हैं ताकि वो यहीं रुक पाए। पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में इन दोनों का सर तक घूमते घूमते अब इन दोनों को थोड़ा हॉटनेस लगने लगे है। विंग और वांग जी अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। वांग जी बहुत प्यार से विंग के फेस को टच कर रहे हैं और बोल रहे हैं, विंग मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, लेकिन तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। तुम्हारा ये प्यारा सा मूल ये तुम्हारे लिप्स के नीचे, मुझे इससे बहुत जलसी होती है, मुझे तुम्हारे लिप्स के पास रहना बिल्कुल इतने पास। ये बोल के विंग के लिप्स के बिल्कुल पास आ जाता है वांग जी, जैसे वो विंग के लिप्स को अब टच करना चाहता है। वहीं विंग इससे पहले वांग जी से किस कर पाता धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और सो जाता है। वहीं वांग जी अब विंग को ऐसे देख के बोल, ओ नो क्या हुआ मेरे विंग को, विंग उठो उठो ऐसे कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर में उसका भी सर घूमता है और वो भी विंग के ऊपर ऐसे ही गिर के सो जाता है। ये दोनों कुछ करते नहीं, बस ऐसे ही रहते हैं। लेकिन ये इतने नशे में थे कि रात में इन दोनों ने एक दूसरे से क्या बोला क्या हुआ इन्हें याद ही नहीं रहता। जब मॉर्निंग में विंग उठता है तो देखता है कि वो वांग जी के नीचे है और वांग जी उसके ऊपर बड़े प्यार से सो रहा है। विंग घबरा के एकदम से विंग वांग जी से अलग होके बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है और कोशिश करता है रात में क्या हुआ वो समझ सके। अभी उसके और वांग जी की बॉडी पे भी कपड़े कम है, ऑब्वियसली इन दोनों को गर्म लग रहे थे तो ये खुद ही अपने कपड़े रिमूव कर रहे थे। अभी ये सिर्फ अपने बनियान के अंदर ही है। ये देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है कि क्या रात में उसने और वांग जी ने कुछ कर लिया। विंग को अच्छे से पता है कि उसके दिल में वांग जी के लिए फीलिंग आ गई है, क्या उसने नशे में वांग जी के साथ कुछ जबरदस्ती कर दी, क्या नशे में उसने वांग जी के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, क्या उसने अपने इमोशंस अपने प्यार में वांग जी के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसके बाद वो वांग जी से नज़र ना मिला पाए। वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था और जल्दी से वहाँ से उठ के भाग जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि वांग जी होश में आएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा। सेम चीज वांग जी के साथ होती है। वांग जी जब सो के उठता है तो वहाँ पे विंग को ना देखकर और अपने आप को बिना कपड़ों के देखकर थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि क्या उसने विंग के साथ कुछ गलत किया जिसके कारण विंग उसे बिना उठाए बिना उससे कोई बात करे यहाँ से चला गया, क्या वो अपने इमोशंस में इतना आगे बढ़ गया कि उसने विंग को हर्ट कर दिया। ये दोनों याद ही नहीं रख पाते कि इन दोनों ने रात में किसी को साथ कुछ नहीं किया ये, पर हाँ दोनों मन में ये सोच के कि मैंने भी वांग जी के साथ कुछ गलत कर दिया। विंग ये सोच रहा है और वांग जी ये सोच रहा है कि उसने विंग के साथ कुछ गलत कर दिया। दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं और सीधा तो आप दोबारा से मतलब बेजिन सिटी की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पाए। वहीं शूशे समझ नहीं पाया कि कल तक तो ये सब कुछ नॉर्मल था लेकिन आज ये ऑकर्डनेस कैसे हो गई। जब सब लोग यहाँ से जा रहे थे तो उन दोनों को बहुत प्यार से गुड बाय किया। विंग को इस समय सबके साथ पास से जाना थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन वो अपने दिल और अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा है। ये लोग जब शहर में पहुँचते हैं तो विंग के घर के पास उसे छोड़ के वांग जी चला जाता है और घर में आके नीव सैन विंग से पूछता है वह क्या हुआ। पर विंग खुशी और एक्साइटमेंट में नीव सैन को सब कुछ बताता है। वो अपने घर से स्पेशली नीव सैन के लिए घर के बने हुए खाना भी लाया था जो उसकी फैमिली ने भेजा था और ऑब्वियसली अब वो जेट प्लेन से आया था तो उसे पता था कि अब वो खाना नीव सैन खा सकता है। नीव सैन बहुत खुशी से वो खाना खा रहा है और उसकी ग्रैंड मदर और मदर की बहुत तारीफें कर रहा है। वहीं नीव सैन ने नोटिस किया कि विंग की सारी बातों में सिर्फ लंजा है। हाँ विंग ने अपने बॉस को अब वांग जी बोलना बंद कर दिया है या मिस्टर लैन, अब वो वांग जी को लंजा बोलने लगा है। और इतना ही नहीं उसकी सारी बातें सिर्फ लंजा से शुरू और लंजा पे ही एंड हो रही है। कहीं ना कहीं नीव सैन महसूस कर चुका है इसे। वो थोड़ा टीस करते हुए वांग को देखता है और बोलता है कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया, कहीं सचमुच में तुम और वांग जी एक कपल तो नहीं हो जिसके बारे में तुम मुझसे सच बोल छुपाते थे। जिसे विंग को एकदम से होश आता है और थोड़ा सीरियस होते बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं और लांग वांग जी की बराबरी कभी नहीं कर सकता। वो लांग वांग जी है चाइना का मोस्ट हैंडसम मोस्ट फेमस बैचलर और मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय एक छोटे से शहर से गाँव से आया हुआ एक छोटा सा इंसान, मेरी और उनकी कोई बराबरी नहीं है। हमने इसे थोड़ा फर्स्टेड होते बोलता है तुम ये मूवी वाले डायलॉग क्यों मार रहे हो, रियलिटी और मूवीज़ में अंतर होता है। कई बार चीज़ें ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें सिंपल भी रखी जा सकती हैं। हो सकता है वो सचमुच में तुम्हें लाइक करता हो और अगर तुम्हारी फैमिली और उनकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं तो तुम ऐसे
उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? वहाँ नहीं, उसे विंग का दिमाग थोड़ा ठीक करते हुए उसके सर पे पैट करते हुए वहाँ से बोल के चला जाता है। लेकिन विंग को तो यही लग रहा है कि वो वांगजी के वर्तनी है और उसने वांगजी के साथ शायद कुछ गलत कर दिया। इसी डर के कारण वो वांगजी से उस दिन पूरे दिन बात नहीं करता। वहीं वांगजी जब अपने घर में आता है तो जैसे उसके ऊपर अटैक हो जाता है। एक तरफ से लान कुरैन वहाँ उसने क्या क्या किया उस बारे में पूछता है। वहीं जिंगी वो उनके लिए क्या लाया उस बारे में पूछता है। वहीं वांगजी और मतलब शिचैन उनकी फैमिली कैसी लगी, वहीं वांगजी का वहाँ कैसा टाइम स्पेंड हुआ वो सब पूछता है। वहीं वांगजी भी खुशी और एक्साइटमेंट में आज अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ऐसे बात कर रहा है जैसे स्कूल से लौट के एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर को बताता है कि आज उसने स्कूल में क्या किया। वांगजी को इतनी एक्साइटमेंट में इतना सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं देखकर कुरैन और शिचैन आज इमोशनल हो जाते हैं। वांगजी को बहुत टाइम बाद किसी चीज़ को अपनी एक फीलिंग को ऐसे एक्सप्रेस करते हुए देखकर उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो जानते हैं वांगजी कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एकदम से अपनी इमोशंस को लॉक करने वाला बन गया था। अपनी मदर की डेथ के बाद तो वो इतना साइलेंट हो गया था कि उसकी फीलिंग्स को शिचैन और कुरैन सिर्फ सोच कर ही महसूस कर पाते थे क्योंकि मुँह से तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन आज वो खुशी और एक्साइटमेंट में सब कुछ बता रहा है। वो बता रहा है वहाँ पर उसने कैसे देखा, उसे फर्स्ट टाइम ऐसे सब लोगों के साथ बैठ के ज़मीन पे खाना खाया, वो सब कुछ बताता है। जिस पर कुरैन एकदम से स्माइल करते हुए बोलता है तो अच्छी बात है, हम भी ये रूल चेंज करेंगे, आगे से हम लोग भी डिनर टेबल पे सब लोग बातें करा करेंगे, एक दूसरे को बताया करेंगे कि उन लोगों का दिन कैसा रहा, कैसा लगा ये आइडिया। जिस पर सब लोग एक साथ एग्री कर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी अपने घर में ये हैप्पीनेस ये लाइवलीहुड जो हो रहा है ये अच्छा लग रहा है। जहाँ एक तरफ वांगजी विंग को लेके अब बहुत ज़्यादा सीरियस है और खुश है, वहीं विंग थोड़ा सा नर्वस है अपने इमोशंस को लेकर अपने सोशल डिफरेंस को लेकर। लेकिन वो भी वांगजी को तो पसंद करने लगा है। ये लोग अगले दिन ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। वहीं विंग आज बहुत नर्वस हो रहा है। अभी नर्वस इस वजह से भी है क्योंकि सारे जिस दिन से ये इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद वो पहली बार कंपनी में जा रहा है क्योंकि उससे पहले वो हमेशा वांगजी का पीए बन के जाता था। लेकिन आज वो वांगजी का फियांसे बन के जा रहा है। यही सोच के विंग बहुत अच्छे से रेडी होता है। जब विंग आज अच्छे से रेडी होके बाहर आता है तो उसे देख के एक बार तो न्यूज़ैन भी शॉक हो जाता है। हमेशा एक ढीले से लूज से जो भी मिला वो जल्दी से पहन के रेडी हो जाने वाला विंग आज प्रॉपर ड्रेस अप होकर अच्छे से अपना हेयर स्टाइल बनाकर अब लेंसेज लगा के जा रहा है। ये देखकर कहीं ना कहीं न्यूज़ैन भी उसे कॉम्प्लीमेंट करे बिना रह नहीं पाता है। वहीं विंग जैसे ही लॉबी में एंट्री करता है तो देखता है कि सब लोग अब उसे रिस्पेक्ट से वो कर रहे हैं, जिसे विंग को थोड़ा ऑकवर्डनेस लगती है। लेकिन हाँ, उसे पता है कि ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब वो इनके सीईओ का फियांसे यानी लांग वांगजी का फियांसे है। विंग सबसे मिलके एक लॉबी से क्रॉस करके एक एलिवेटर की साइड जा ही रहा था कि सडनली एक इंसान चीखता हुआ रुक जाओ विशान करता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। विंग को आइडिया नहीं था ये कौन है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो शॉक हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि किंशु थी जो उस दिन गायब हो गई थी, जिससे वांगजी की उस दिन एंगेजमेंट होने वाली थी लेकिन वो वहाँ पहुँची नहीं। अब किंशु गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहाँ आती है और आते ही विंग को एकदम से धक्का देते हुए बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की, मैं हूँ, मैं थी लांग वांगजी की फियांसे पर तुमने उस दिन मुझे लॉक कर दिया मेरे ही घर में और उसके बाद तुम मेरी जगह पहुँच गए। तुम एक चीटर हो, तुमने फ्रॉड किया, तुम लांग वांगजी के फियांसे नहीं हो, लांग वांगजी गे नहीं है, वो मेरे फियांसे हैं। वहाँ किंशु सबके सामने इस सीन क्रिएट करने लगती है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है वो इस समय क्या करे। वो घबराया हुआ है, उसे डर लग रहा है कि कहीं किंशु ये ना बता दे कि लांग वांगजी और उस मतलब उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब इस तरह से बातें हुई थी। वहीं किंशु तो विंग के ऊपर चढ़ गई है, वो विंग को सबके बीच में ह्यूमिलेट कर रही है, सबके सामने कह रही है कि कैसे वो और वांगजी एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, विंग उनके बीच में आ गया, विंग एक मिस्ट्रेस टाइप है, विंग ने जान पूछ के उसकी जगह ले ली, विंग ने उसे लॉक कर दिया था, विंग ने उसे आने नहीं दिया पार्टी में जिसके कारण ये सब हो गया। इन शॉर्ट वो विंग को बेइज्जत कर रही है और ये सबके बीच में यही बोल रही है कि वांगजी की फियांसे वो है और वांगजी उसे प्यार करता है, विंग को वांगजी प्यार नहीं करता, वांगजी ये है ही नहीं, वो सबके बीच में ये चीख चीख के बोल रही है। जैसे ही विंग अब थोड़ा सा हिम्मत करके ऊपर देखता है
तो वो अब इन लोगों को जो थोड़ी देर पहले उसे रिस्पेक्ट से देख रहे थे, अब उसे उनकी आंखों में अपने लिए डिसरिस्पेक्ट देख रहा है। वो लोग उसे बड़ी गंदी नज़रों से देख रहे हैं, जैसे वो कोई गलत इंसान हो, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अब सब लोग जो पहले विंग को रिस्पेक्ट दे रहे थे, अब वहाँ किंशु के सपोर्ट में आके बोलने लगते हैं, सचमुच में विशन तुम इतना गिर सकते हो फेम के लिए, ना लांगवांग जी के फैन से बनने के लिए तुमने ये सब किया, तुम इतना गलत कैसे कर सकते हो। हम भी पहले से ही किंशु बोल रही थी कि वो लांगवांग जी के फियांसे हैं, पर हमें लगा कि अचानक से वो तुम्हारे साथ कैसे इंगेज हो गए, तो ये थी असली कहानी। सब लोग गलत बोलने लगते हैं। वी भूषण तुम एक करेक्टरलेस इंसान हो, वी भूषण तुम एक चीटर हो, वी भूषण तुम कितने गलत हो, वी भूषण तुम एक चीटर हो। सब लोग एक साथ मर्ज करके विंग को घेर के बोलने लगते हैं। तभी अचानक से पीछे से एक स्ट्रॉन्ग है, स्टॉप इट, जिससे सब लोग अब पीछे देखते हैं। अब वांग जी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ सब लोग खड़े हैं। वहीं वांग जी को वहाँ देखे सब लोग सर नीचे कर लेते हैं। वहीं किंशु अपना नाटक करते बोलते हैं, फाइनली आप आ गए, सबके बीच में बता दीजिए कि आप ये नहीं है और इस पर्सन ने कैसे मुझे लॉक कर दिया। आपको याद है ना, मैं आपके पास आई थी और आपने मुझे वो ड्रेस भी गिफ्ट की थी, वो ज्वेलरी गिफ्ट की थी जिनके साथ मैं आपके पार्टी में पहुँचने वाली थी, लेकिन इस विंग ने मुझे लॉक कर दिया। इस बात पे अब वांग जी घूर के किंशु को देखते हैं और जैसे ही वे किंशु वांग जी के उस गुस्से वाले ऑरा को देखते हैं तो वो शांति से खड़े हो जाते हैं। अब वांग जी बिल्कुल विंग के पास आ जाके खड़ा हो जाता है, विंग के हाथों को कस के पकड़ के अब हवा में ऊपर करता है और सबको विंग और अपने रिंग शो करते हुए बोलते हैं, मैं सिर्फ विंग को पसंद करता हूँ और मेरा फियांसे सिर्फ विंग है। इस बात पे किंशु जो सोच रही थी कि वांग जी शायद उसका सपोर्ट करेगा, वो एकदम से पानी पानी हो जाती है और बोलती ये आप क्या बोल रहे हैं, आप ये नहीं है ना। इस बात पे वांग जी फिर से किंशु को घूरता है और सॉन्गलैंड बिल्कुल किंशु के पास आके खड़ा हो जाता है। अब अचानक से सब लोग वांग जी को देखने लगते हैं। अब वांग जी तुरंत विंग की साइड देखते हैं और सबके बीच में विंग की कमर पे हाथ रख के उसे जोर से अपनी साइड खींच के सबके बीच में पैशनेटली विंग को किस करने लगता है, जिससे वहाँ हर कोई शॉक है। इवन विंग भी पूरी तरह से शॉक है, लेकिन वांग जी सबको शो करना चाहते हैं उसकी सेक्सुअलिटी क्या है। वो सिर्फ विंग को ही प्यार करता है और इसी कारण वो तो नॉन स्टॉप बिना रुके विंग को वहाँ ऐसे पैशनेटली किस कर रहे हैं, जैसे वो विंग के इस किस में लोगों को और विंग को ये शो करना चाहता है कि वो विंग को कितना प्यार करता है। वहीं विंग जो शुरुआत में तो पहले शौक था, लेकिन कहीं ना कहीं वांग जी जिस पैशन से जितने प्यार से उसे किस कर रहे हैं उस खुद को रोक नहीं पाता और अब वो भी विंग के वांग जी के गर्दन में अपना हाथ डाल के उसके किस का ऐसे ही रिस्पांस करने लगा। वहीं सब लोग साइड में खड़े के बड़ा मुंह खोल के विंग और वांग जी को देख रहे हैं और ये दुनिया को भूल के दोनों वहीं खड़े एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं, एक दूसरे को इस किस से प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से क्या फील कर रहे हैं। ये इन दोनों की फर्स्ट किस है जो पूरी दुनिया के सामने है, पर एक दूसरे के साथ ये दोनों कितना हैप्पी हैं ये शायद कोई भी देख सकता है। सॉन्गलैंड भी थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, वहीं किंशु का चेहरा पूरी तरह से रेड हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ के कुछ बोले उससे पहले सॉन्गलैंड उसके कंधे पे हाथ रख के उसे शांत कर देता है। वहीं किंशु अब घबरा के शांत खड़ी है। अब वांग जी और विंग थोड़े सांस लेने के लिए एक दूसरे से जब अलग होते हैं तो विंग का चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह रेड हो गया, उसकी नज़रें तो ऊपर उठ भी नहीं रही अपने सारे कलीग्स को देखने के लिए। वहीं विंग तो ऐसे ब्लश करता देखे वांग जी थोड़ा स्माइल करता हुआ अब सब लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, मेरे ख्याल से आप सबको आंसर मिल चुका है, तो आप सब लोग अपने अपने काम पे वापस जा सकते हैं, जिससे सब लोग अब वहाँ से डर के ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर पे सींग। सब लोग वहाँ से गायब और वहाँ सिर्फ 4-5 लोग खड़े हैं, यानी वांग जी के गार्ड्स, किंशु, विंग और वांग जी। अब वांग जी किंशु के बिल्कुल सामने आता है, अब बोलता है, तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सारे टर्म्स और कंडीशन अच्छे से पढ़े थे, जिसे किंशु घबरा के अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगते हैं। अब वांग जी अपने कोल लोरा से बोलते हैं, उसका सबसे पहला टर्म और कंडीशन में सबसे पहले लाइन यही थी कि तुम इस एंगेजमेंट पार्टी से पहले किसी को भी मेरे और तुम्हारे बारे में नहीं बता सकती हो, और उसके बावजूद तुम सबके बीच में ये बोलती घूम रही थी। तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन तोड़ दिया था और तुम्हें अच्छे से उसकी पेनल्टी के बारे में पता है। अब रेडी हो जाओ उस पेनल्टी को पे करने के लिए। अभी इसी वक्त मैं तुम्हें मेरे क्लैन कॉर्पोरेशन से बाहर निकालता हूँ और इस बात की गारंटी देता हूँ
कि तुम्हें किस इंडस्ट्री में कभी दोबारा कोई जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम विंग को सबके बीच में ह्यूमिलेट कर रही थी, अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही थी। और ये बोलने के बाद वहाँ से वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ड्रैग करता हुआ ले जाता है, अपने बाकी गार्ड्स को किंशु के साथ छोड़ के। किंशु पीछे से, आई एम सॉरी सर, सॉरी विभूषण, मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, आई एम सॉरी, बस इतना ही करती रह जाती है। लेकिन वांग जी, जिस इंसान ने उसके विंग को ह्यूमिलेट किया इस तरीके से, उसके विंग को सबके सामने मतलब एक तरह बुली करा, वो कैसे उसे छोड़ सकता है। और किंशु अब सिर्फ रोती चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरा, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और उसके हम पेनल्टी वो पे नहीं कर पाएगी, तो उसे ना चाहते हुए भी जेल जाना पड़ेगा और वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगी। नहीं, दूसरी तरफ विंग को बाहर पकड़ के अब वांग जी उसके कैबिन में लाता है और तुरंत उसे रूम को लॉक करके विंग की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। अभी थोड़ा घबराते हुए, बॉस मुझे नहीं आइडिया था अब कि किंशु इस तरीके से रिएक्ट करेगी, आई एम सॉरी बॉस। इस बात पे वांग जी अब विंग को और ज़्यादा घूर घूर के उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। वहीं विंग बेचारा घबराते हुए पीछे की तरफ जा रहा है। अब वांग जी ने विंग को उस वॉल की दोनों साइड से लॉक कर दिया। अब वांग विंग इमोशन थोड़ा शॉक होकर वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आवाज़ में बोलते हैं, तुम मेरे फियांसे हो, तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि अब किसी ने तुम्हें हर्ट किया तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, तुम्हें स्ट्रांगली खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जिस पे विंग अभी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की साइड देख रहा है, अब बोलता है, बट वो तो फेक फियांसे वाली बात थी ना, मैं सचमुच में आपका फियांसे थोड़ी हूँ। विंग थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों वांग जी जैसे ये बात सुनता है वो तुरंत अब आगे आगे दोबारा से विंग के लिप्स को कस के पकड़ कैप्चर कर लेता है और दोबारा से उसे ब्रूटली किस करने लगता है, जिसे विंग अब ये समझ नहीं पा रहा है। वो थोड़ा सा फिर से विंग से अलग होता है और अब उसके नेक को पैशनली और हंगरली किस करने लगता है, जिसे विंग थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग साउंड निकालने लगता है और एकदम से लंजा लंजी क्या कर रहे हो तुम, ये अचानक से ये बोलता है। अभी वांग जी विंग की आंखों में दोबारा देखता है और बोलता है, लंजा कहने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है, उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि ये सब फेक है, तो मैं तुम्हारे इस शक को तुम्हारे दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ, तुम्हें रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि ये फेक नहीं है, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए फेक नहीं है, ये एंगेजमेंट फेक नहीं है, तुम और मैं अब फियांसे हैं और तुम इस चीज़ को अब याद रखो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ फील करवाना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद विंग को वांग जी ब्रैडल स्टाइल में उठा के अपने ही कैबिन के उस सोफे पे अलग के फेंक देता है, जिसे विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ बहुत शॉकिंग नज़रों से देख रहा है। लेकिन वांग जी अब विंग के ऊपर आके अब उसे हंगरली और पैशनेटली दोबारा से सक और किस करने लगता है। सबसे ज़्यादा तो वो इस समय विंग के नेक पे ज़्यादा बाइट्स मार्क दे रहा है। वहीं विंग के मुँह से सिर्फ मॉर्निंग साउंड के अलावा कुछ और नहीं निकल रहा। अब विंग और वांग जी थोड़ी देर तक इसी तरह से मेकआउट करते हैं, जिसके बाद अब विंग के नेक के पास में वांग जी लेट के ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। अब वहीं विंग के हाथ इस समय वांग जी के बालों में घूम रहे हैं। अब विंग और वांग जी दोबारा से एक दूसरे की साइड देखते हैं। विंग बोलता है, सचमुच में लंजा सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें लंजा बोल सकता है। इस पे विंग की इस क्वेश्चन पे वांग जी अपना सर हाँ में हिलाने लगते हैं। अभी थोड़ा मतलब इमोशनल होते हुए वांग जी के माथे पे एक केस करता है और बोलता है, मैं भी इस इंगेजमेंट को रियल मानना चाहता हूँ, मैं भी इस सब कुछ और रियल में फील करना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए जेन्युइन है लंजा, मैं भी इस रिलेशनशिप को अपने दिल से निभाना चाहता हूँ। जैसे ही विंग एक वांग जी को परमिशन दे देता है तो दोबारा से वांग जी विंग के ऊपर अटैक कर देता है, यानी फिर से उसे ब्रूटली कस करना, उसके बॉडी पे अपने हाथ घुमाना। और वांग जी के इस प्यार और इसको विंग भी ऐसे ही रिस्पॉन्स करता है, पर हाँ ये दोनों सिर्फ यहाँ पे एक दूसरे को किस करना या मेकआउट ही करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं करते हैं। विंग और वांग जी तो जब थोड़ी देर में उनके कैबिन में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होती हैं तो दोनों थोड़े से अलग होते हैं और अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं। जब देखते हैं कि कैबिन में इस समय लान कुरैना है
पीछे पीछे वेंचिंग और शिचैन भी है, जिससे वांग जी और विंग थोड़ा शौक है। वहीं विंग और वांग जी की इस समय की हालत को देख के वेंचिंग और पीछे शिचैन थोड़ा ब्लश कर रहे हैं। वहीं एकदम से कुरैन थोड़ा सा गुस्सा होते बोलते हैं, इसी कारण मैं कह रहा था तुमसे शिचैन, हमें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। इस बात पे विंग और वांग जी थोड़ा सा ब्लश करते हुए अपने आप को ठीक करते हैं और एकदम से वांग जी थोड़ा गुस्से बोलते हैं, ये क्या बदतमीजी अंकल, आप सुबह सुबह मेरे केबिन में इस तरह से क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए, तुम लोग रुकोगे या नहीं रुकोगे, या यहीं पे सब कुछ करने के मूड में हो। भूलो मत ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कैब विंग तुम्हारा पीए नहीं होगा। इससे अभी बड़ी बड़ी आंखों से अब कुरैन की साइड देख रहे हैं। अब कुरैन बोलना शुरू करते हैं, विंग मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और काफ़ी टाइम से मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते थे, खासकर तुम एक अपनी खुद की एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। लैंड कॉरपोरेशन के साथ मैं एक न्यू एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलना चाहता हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए अपने ही फ्रेंड के सपास ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ, जिसकी ऑलरेडी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। वहाँ जा के तुम एक्सपीरियंस लो, ताकि मैं तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हारी वो कंपनी गिफ्ट करूँ तो तुम सबके बीच में उस कंपनी को अच्छे से हैंडल कर सको। इस बात पे विंग अब शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे आपकी कंपनी या इस टाइप की चीज़ें नहीं चाहिए। इस बात पे आप कुरैन विंग की तरफ गुस्सा करते हुए बोलते हैं, और क्यों मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, जब शिचैन और वांग जी मेरे दिए हुए गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं तो तुम क्यों मेरे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा भी अंकल हूँ और मैं तुम्हें जो दूंगा तुम्हें लेना पड़ेगा। इस बात पे विंग अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। वहीं वो भी सचमुच में अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलना चाहता था तो तुरंत स्माइल करता हुआ अग्री हो जाता है। और अब कुरैन दूसरी बात बोलते हैं, मैंने तुम्हारी फैमिली से बात कर ली है, शुशे के थ्रू मैंने उनसे तुम्हारे उस समय काफ़ी बातें करी थी और जल्दी वो लोग यहाँ आने वाले हैं और मैं तुम दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग करूँगा, उस वेडिंग तक तुम लोग एक दूसरे से मिलोगे नहीं। जिस बात पे विंग और वांग जी अब बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तुरंत शिचैन वांग के पास आके खड़े हो जाते हैं और विंग और वांग जी के पास आके खड़े हो जाते हैं और तुरंत विंग को लेकर वहां से बाहर जाने लगते हैं। जिससे वांग जी तुरंत, ये आप क्या बोल रहे हो अंकल, मैं और विंग मिलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि मुझे तुम जैसे बच्चे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पता नहीं उससे पहले ही तुम क्या कर दो। चलो शिचैन विंग को यहाँ से लेकर चलते हैं। और ये बोल के बेचारे वांग जी को वहाँ अकेला छोड़ के विंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांग जी की उतरी हुई शक्ल को देख के सिर्फ हंसता रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता है, पर जैसा कुरैन ने कहा था वो वैसा ही करते हैं, वो विंग और वांग जी को बिल्कुल मिलने नहीं देते। हाँ वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे खूब सारी बातें करते हैं, चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन हाँ फिजिकली तो कुरैन उन्हें मिलने नहीं देते, क्योंकि कुरैन को अपने नेफ्यू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और शायद वो बात सच भी है। थोड़े टाइम बाद एक ग्रैंड वेडिंग प्लान होती है और ये कहीं और नहीं बल्कि विंग के उस छोटे से टापू पर यानी उस विलेज में ही करी गई है, पूरी डेकोरेशन वहीं करी गई है। विंग और वांग जी की वेडिंग वहाँ पे हो रही है, ये चीज़ उन दोनों के लिए भी सरप्राइज़ था, लेकिन ये सरप्राइज़ विंग की फैमिली और कुरैन ने मिलकर किया था। पूरे टापू को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, बड़े बड़े लोग यहाँ से प्राइवेट जेट से आ रहे हैं। इस पूरे टापू को कुरैन ने अब अपने अंडर ले लिया, काफ़ी सारे यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शंस भी करवाए, जैसे यहाँ पे प्राइवेट जेट्स लैंड कर सके। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों को भी अच्छा खासा एक इनकम का सोर्स मिल गया। इस शादी की तैयारी के लिए दिन बनाया, लोगों ने अपने लिए थोड़ी सी डेकोरेशन करी, इन शॉर्ट एक जो लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से गरीबी में रह रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स हो गया विंग और वांग जी की ये शादी। वहीं वहीं की फैमिली भी सब ये देखकर बहुत खुश है, कैसे वांग जी की फैमिली इतनी दूर यहाँ पे उनके टापू पे विंग शादी करने के लिए रेडी हो गई। विंग और वांग जी अब चाइनीज एंटायर में वहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ एक बहुत ओपन क्या कहते ग्राउंड में एक स्पेशल पोडियम बनाया गया है। इन दोनों ने चाइनीज कपड़े पहने हुए हैं, हाँ दोनों में से किसी ने वेल नहीं लगाई है, पर हाँ इन दोनों ने मतलब पुराने एंशियंट टाइम के हैवी से हानफू पहने हुए हैं, जिनमें इन दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो रही है। आज वैसा ही दिन है जैसा वांग जी फर्स्ट टाइम विंग के साथ आया था, आज भी वैसे ही पानी की आवाज़ें आ रही हैं, तो सन सेट हो रहा है और उसका विंग उसके हाथ में हाथ डाल के खड़ा हुआ है। इन दोनों के सबके बीच में एक ग्रैंड वेडिंग होती है। विंग और वांग जी एक दूसरे को हमेशा के लिए हस्बैंड एंड हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहने के प्रॉमिसेस करते हैं। उन लोगों की लव जर्नी कहाँ एक फेक से झूठ से शुरू हुई थी और कहाँ
अब हमेशा के सबसे सच्चे रिश्ते में बंध गई है और ये फैन फिक्शन यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू।